चलिए, हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है दोस्तों? सर एकदम बढ़िया है, सब मज़े में है। अच्छा, आज मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। अरे बोल टाओ विकास भाई, देखो मेरी बात बहुत ध्यान सुनना। आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है इक्वेशंस। अब जैसे मैं इक्वेशन स्टार्ट करता हूँ ना, आधे से ज़्यादा बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि यार ये चैप्टर तो ऐसा है, लेट इट बी एक्स। याद है बचपन में पढ़ा था लेट इट बी एक्स? सर पहले भी एक्स था और आज एक्स है, पहले एक्स हुआ करता था और आज एक्स हो गई है। दोनों में अंतर है, मजाक कर रहा हूँ दोस्तों। याद रहे, आज तुम्हारे लाइफ में जो एक्स है और जो क्लास 7th 8th 9th में जो एक्स था, दोनों में अंतर है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 7th 9th 10th वाला जो एक्स था ना, उसकी बारे में बात करने वाले हैं। लेट इट बी एक्स। सुनो दोस्तों, हम तो डरते हैं सर लेट इट बी एक्स पे। आज भी एक्स से डरते हैं और पहले भी एक्स से डरते थे, लेकिन दोस्तों आज मैं आपके डर खत्म करने वाला हूँ पुराने वाले एक्स को लेकर के। जो प्रेजेंट में एक्स वेक्स चल रहा है उसके बारे में तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अच्छा, अब मेरी बात को ध्यान समझना। आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर का नाम है दोस्तों इक्वेशंस। इक्वेशंस चैप्टर ऐसा है जो क्लास 7th 8th 9th 10th पढ़ते आ रहे हो, कुछ ना कुछ हमेशा जुड़े हुए हो, लेकिन 11th 12th में मैथ्स का ब्रेक लगने से बच्चों को चैप्टर डिफिकल्ट लगने लग गया। मालिक, इससे डिफिकल्ट चैप्टर मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिए, लॉगरिदम, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, सीक्वेंस, अरे बहुत कुछ हो गया मालिक पहले। अब तो ये आसान चैप्टर है, अब इक्वेशंस पढ़ाना इसलिए ज़रूरी हो गया है कि आने वाला चैप्टर में पता नहीं कब आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ जाए, कब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ जाए। स्टैटिस्टिक्स एक्स में कई बार आएगा, मैं वहाँ पे आपका इस चैप्टर को मैं कोई डिस्कशन नहीं करने वाला, ठीक है? आओ इस पर डिस्कस करें, इक्वेशन में इक्वेशन को सॉल्व करने में डिस्कस नहीं करने वाला। और अभी मैं इक्वेशन में पूरी बातें करने वाला हूँ। यदि किसी का भी माइंड सेट ये है कि नहीं नहीं सर अब हम नहीं पढ़ेंगे, हमको आता है, तो मालिक आपको मैं बता दूं कुछ नई बातें भी होंगी, कुछ पुरानी बातें भी होंगी, पूरा एक रिफ्रेशमेंट हो जाएगा इक्वेशंस का। तो आपका कॉन्सेंट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है, यहाँ वहाँ जहाँ भी ध्यान है फटाफट सेटल हो जाओ और स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज इक्वेशंस। आइए दोस्तों, क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करने हैं, थ्योरी पार्ट कम है और प्रैक्टिकल काम ज़्यादा है। तो आपको मैं 30 सेकंड्स दूंगा सवाल करने के लिए, पहले आप ट्राई करो, उसके बाद मैं अपनी अप्रोच बताऊंगा। और काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैं आपको कैलकुलेटर में करना ही सिखाऊंगा कि हाउ टू सॉल्व द इक्वेशन चैप्टर इन कैलकुलेटर। तो काफ़ी सारी नई बातें हैं हमारे पास। ओके, आइए, कैलकुलेटर का यूज़ बहुत ज़्यादा होने वाला है। आप लोग कैलकुलेटर कभी भी घर पर ना भूल करके आए। यदि कैलकुलेटर आप घर पे भूल करके आ रहे हो तो ये आपका बहुत बड़ा लॉस है दोस्तों, बहुत बड़ा लॉस है। चलिए शुरू करें। यस सर, आइए लेट्स बिगिन विद द टॉपिक इक्वेशंस। चलिए दोस्तों, लेट्स बिगिन विद द टॉपिक इक्वेशंस। हेडिंग डालें इक्वेशंस। इक्वेशंस सर चैप्टर डिफिकल्ट है क्या? ना 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 ना, आसान है। लेंदी है क्या? नो, ईजी है, छोटा सा चैप्टर पढ़ने आ गए हमने बीच में। क्या इतने लेंदी लेंदी चैप्टर्स ले लिए थे मैंने, अब बीच में एक छोटे चैप्टर की आवश्यकता थी। आइए इस चैप्टर का दोस्तों हम पढ़ने का फॉर्मेट क्या रखने वाले हैं, बैकग्राउंड लिखवा दूं? मैं काम करता हूँ, पहले को एक माइंड मैप लिखवाता हूँ इस चैप्टर का। माइंड मैप रहेगा तो अप्रोच समझ में आएगा चैप्टर का दायरा क्या है। उसके बाद मैं इंडिविजुअल 3-4 बैकग्राउंड लिखवाऊंगा, ठीक है? 3-4 बैकग्राउंड लिखवाऊंगा। आइए सबसे पहले मैं इसका एक नाम आपको लिखवाना चाहता हूँ, माइंड मैप, माइंड मैप व्यू, माइंड मैप व्यू ऑफ द चैप्टर, ऑफ चैप्टर। आइए लेट्स बिगिन विद द माइंड मैप व्यू, माइंड मैप व्यू ऑफ चैप्टर। शुरू करें? यस सर, बिल्कुल शुरू करिए सर, आ जाओ दोस्तों। हाँ सर, मज़ा आने वाला है, अरे बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों। यस सर, चलिए दोस्तों हमें पढ़ना है तीन तरह के इक्वेशंस, हमें पढ़ना है तीन तरह के इक्वेशंस। मैं लिखवाऊंगा व्हाट इज इक्वेशन सब लिखवाऊंगा, ठीक है ना? लेकिन अभी हम पहले माइंड मैप व्यू एक चैप्टर का ले लो, हमें पढ़ना क्या है इस चैप्टर में। पहले हम दोस्तों पढ़ेंगे यहाँ पे लीनियर इक्वेशन। सबसे पहले हमें पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन दोस्तों। फिर आपका आएगा यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोस्तों। तीसरा पड़ाव आपका आएगा यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक, क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है? लिखते चले जाओ मेरे साथ साथ, लिखते चले जाओ दोस्तों। मैं माइंड मैप व्यू लिखवा रहा हूँ आपको दोस्तों। लीनियर इक्वेशन में फिर हम करेंगे दो बातें, लीनियर इक्वेशन में फिर हम करेंगे दो बातें। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पढ़ाऊंगा, नहीं सर डायग्राम में एकदम गलती नहीं होना चाहिए। आइए
चलिए सबसे पहले हम यहाँ पढ़ेंगे इन वन वेरिएबल और यहाँ पे पढ़ेंगे इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मैंने सेव जोन के लिए थ्री वेरिएबल भी डिस्कस कर दिया, पर उसमें माइंड मैप व्यू में नहीं लिखवा रहा दोस्तों, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, अच्छा दोस्तों, अच्छा मेरे कॉन्सेंट्रेट करना, बहुत ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करना। चलिए दोस्तों, इन वन वेरिएबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे हम लोग और क्यूबिक इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक माइंड मैप व्यू, बस ये चैप्टर का दायरा, ये हमें लीनियर इक्वेशन पढ़ना है। अब देखो, लीनियर इक्वेशन का बैकग्राउंड अलग लिखवाऊंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बैकग्राउंड अलग लिखवाऊंगा, क्यूबिक इक्वेशन का कोई बैकग्राउंड नहीं है, बस एक नोट लिखवाऊंगा। यही चैप्टर का सार है मेरा, समझो। इक्वेशन में हमें पढ़ना क्या है, पहले लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे पूरा, आज के दिन सिर्फ लीनियर इक्वेशन चलेगा, इसके सवाल चलेंगे। फिर अगले दिन हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे, और क्वाड्रेटिक के बाद क्यूबिक तो खत्म ही, क्यूबिक में कुछ भी नहीं है। ठीक है, अच्छा सर अब ये बताओ, इसके बारे में थोड़ी बहुत यहाँ बातें लिखवा दूँ, मेरे साथ पूरा नोट्स बनाएं, फिर समझाऊंगा मैं पढ़ना क्या है, कैसा चैप्टर है। ठीक है, आइए, इन वन वेरिएबल मतलब लिखना इक्वेशन कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन वेरिएबल। एग्जाम्पल के तौर पे कहना चाहता हूँ मैं, जैसे लिखो 2x + 5 = 3। अब देखो, इस इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है, सिर्फ x, ठीक है ना। यहां पे लिखो इक्वेशन कंसिस्टिंग ऑफ टू वेरिएबल्स। एग्जाम्पल के तौर पे लिखो दोस्तों यहां पे, जैसे कि 2x + 3y = 10। देखो दो वेरिएबल आ गए यहाँ पे, एक वेरिएबल है x, दूसरा वेरिएबल है y। वन वेरिएबल मतलब ऐसा एक क्वेश्चन जिसमें एक ही वेरिएबल है x, या तो सिर्फ y या तो सिर्फ z, कोई एक वेरिएबल है। ओके सर, क्वाड्रेटिक में लिखो। अच्छा मैं यहाँ पे लिखवाना एक चीज भूल गया, रुको, अरे यार चलो ठीक, कोई बात नहीं। इक्वेशन यहाँ पे क्वाड्रेटिक डेफिनेशन लिखो, इक्वेशन हुज हाईएस्ट पावर इज ऑफ डिग्री टू। ऐसा इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर टू होती है। लीनियर मतलब क्या होता है दोस्तों, जिसकी हाईएस्ट पावर, यहां लिख लो हाईएस्ट पावर वन होती है, उसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। देखो यहां पे सभी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, वन है, एक्स की भी वन है, टू वेरिएबल में x की पावर 1 है, y की पावर भी 1 है, लेकिन क्वाड्रेटिक क्या होता है दोस्तों, जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है। एग्जांपल के तौर पे लिखो यहां पे 2x² + 5x + 8 = 0। देखो ऐसा इक्वेशन है जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, और लिखो 5x² + 2x + 3 = 0। ऐसा इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर क्या है दोस्तों, 2 है, उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक। अच्छा क्यूबिक क्या लिखेंगे, इक्वेशन हाईएस्ट पावर कितनी होगी, हाईएस्ट पावर इज 3। जिसकी हाईएस्ट पावर क्या है दोस्तों, 3 है। एग्जाम्पल लिखो इसका भी, x³ + 2x² = 0। देखो वैसे तो पावर 2 भी है, लेकिन हाईएस्ट पावर 3 है ना, तो क्वाड्रेटिक नहीं रही, वो क्यूबिक रही, वो क्या हो गया उसका, क्यूबिक हो गया वो। ओके ये लिखा। अब दोस्तों हमें इसे पढ़ना क्या क्या है, चलो लिखो, पहले इसको लिखो, मैं समझाता हूँ, पहले इसको लिखो, इस माइंड मैप को पहले ड्रॉ कर लो अच्छे से। देखो पहले मैंने यहाँ पे माइंड मैप व्यू लिखवाया है, और आपको ये लिखवाया है, चलो आई होप आप लोग ये लिख रहे होंगे, मेक इट फास्ट। एक माइंड मैप व्यू लिखवाया बस चैप्टर का, सिर्फ माइंड मैप व्यू दिया है आपको, सिर्फ एक माइंड मैप व्यू दिया है, कुछ भी नहीं पढ़ाया अभी तक। लिख लिया, अभी इस टेबल को आगे एक्सटेंड कराऊंगा मैं, पूरा चैप्टर इस टेबल में ही लिखवाने का सोच रहा हूं मैं आपको। लिखें फटाक से, लिखें मेक इट फास्ट, फटाक से लिखो दोस्तों, मेक इट फास्ट, जल्दी जल्दी लिखेंगे, लिखने में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें।
मेक इट फास्ट सर, लिख लिया, आगे लिखेंगे हम। सही, ये तो लिख लिया हमने, आगे लिखवा दूँ मैम? यस सर, लिखवाइए। दो सुनो दोस्तों, अब हमें इसको यहाँ पे दोस्तों ऐसा एक एम लिखो। देखो मैं इसमें अभी टेबल को एक्सटेंड करवाऊँगा, ठीक है? तो पहले क्या करें, रुक जाओ, पहले एम कैसे लिखें, चलो कोई बात नहीं, पहले टेबल पूरा करते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक एरो निकालो, यहाँ पे एक एरो निकालो, ठीक है? यहाँ पे लिखो वी विल सॉल्व बाय सिंप्लीफिकेशन से सॉल्व होगा। यहाँ पे लिखो मेथड ऑफ एलिमिनेशन। एक और होता है उसको, जिसको हम कहते हैं क्रैमर्स रूल, लेकिन हम ये नहीं पढ़ने वाले, ठीक है ना? कोई काम का नहीं है वो। आइए यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों, पहला मेथड रहेगा हमारा स्प्लिट द इक्वेशन, ये नाम मैंने दे दिया इसको, स्प्लिट द इक्वेशन। दूसरा लिखेंगे आप श्रीधराचार्य, और यहाँ पे आप लिखोगे दोस्तों हिट एंड ट्रायल। दोस्तों बस ये बातें मुझे करनी है इस चैप्टर में, हिट एंड ट्रायल लिख लिया, फटाक से लिखो। वी विल सॉल्व बाय सिंप्लीफिकेशन, यहाँ पे आएगा टू वेरिएबल में मेथड ऑफ एलिमिनेशन, क्रैमर्स रूल। क्वाड्रेटिक में दो मेथड आएंगे, मेथड ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ इक्वेशन और श्रीधराचार्य आएगा, और हिट एंड ट्रायल। लिखिए फटाफट लिखें दोस्तों, मैं चैप्टर का पूरा सार लिखवा दिया, इतने में मैंने आपको पूरे चैप्टर का सार आ गया यहाँ पे। तो चल नीचे के पॉइंट लिख रहे थे ना आप, तो यस सर। लिख लिया दोस्तों, बस लिखते चले जाओ, अब सवाल स्टार्ट होने वाले हैं। 10 से 15 मिनट के अंदर क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, और सिर्फ क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस चलेंगे पूरे चैप्टर में, क्वेश्चंस ही क्वेश्चन चलेंगे। मेक इट फास्ट दोस्तों, वन वेरिएबल को सॉल्व करेंगे हम सिंप्लीफिकेशन से, दूसरा टू वेरिएबल को सॉल्व करेंगे मेथड ऑफ एलिमिनेशन से, क्रैमर्स रूल कोई काम का नहीं, हम इसको डिटरमिनेंट में डिस्कस करेंगे, और इक्वेशन जैसे क्वालिटी के इक्वेशन को सॉल्व करेंगे स्प्लिट अप करके, ये तो श्रीधराचार्य करके। अब श्रीधराचार्य कब लगाना, स्प्लिटिंग ऑफ इक्वेशन कब लगाना बताऊंगा। इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल को क्यूबिक को सॉल्व करेंगे हम हिट एंड ट्रायल से। चलिए अब मैं आगे बढ़ जाऊँ। हाँ सर बिल्कुल आगे बढ़ जाइए। चलिए आइए दोस्तों, अब मैं चैप्टर की जान लेके आ रहा हूँ सर, जान। हाँ बिल्कुल आइए, अब यहाँ पे एक नोट लिखेंगे, अब आप यहाँ पे लिखेंगे नोट नंबर वन में लिखो, पहले आप लिखना स्टार्ट करें। यस सर, नोट नंबर वन में लिखो एम, मतलब दोस्तों इस चैप्टर मेरा मकसद क्या है, एम क्या है, माई एम लिखो, अवर एम इन दिस चैप्टर इज टू, मैं साथ साथ लिखना भी समझाऊंगा, इज टू सॉल्व द इक्वेशन। अब मुद्दा ये सॉल्व करना मतलब क्या बच्चे, अच्छा सॉल्व करना है, अरे सॉल्व का मतलब तो बता, अच्छा। बट पॉइंट आता है यहाँ पे, पॉइंट इज What do you mean by solve? दोस्तों बच्चों को यही पॉइंट समझ में नहीं आता जो लिखवा रहा हूँ ना, बेसिक चीजें, यही तो मुद्दा है, यही तो पता नहीं बच्चों को, यही लिखा रहा हूँ मैं, वरना चैप्टर दो मिनट का है। सॉल्व मीन्स फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स इन द इक्वेशन। अच्छा मतलब वैल्यूज निकालना है, जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे मैं कहना ही चाहता हूँ, लिखना बस इसको एग्जांपल को,
टू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू फाइव दे के रखा है, फाइंड सॉल्व इट। सॉल्व का मतलब एक्स की वैल्यू निकालना है मुझे, एक्स की वैल्यू निकालना। मेरे चैप्टर में वही तो एम है, इक्वेशन सॉल्व करना सीखना है, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखना है। सॉल्व करना सीखना है मतलब मुझे एक्स की वैल्यू निकालना सीखना है, वेरिएबल वाई है तो वाई की वैल्यू निकालना सीखना। अरे मेरा एम चैप्टर का यही तो है। कई बार बच्चों को ये बता दिया जाता है तुम्हारा बेटा चैप्टर में एम है इक्वेशन को सॉल्व करना। अच्छा बढ़िया है, बहुत शानदार। अरे ये तो बता सॉल्व का मतलब क्या होता है यार, हम क्वेश्चन भी नहीं करते, हमारा दिमाग बोल रहा है पूछ पूछ पूछ, और हम नहीं यार ये कैसे पूछ सकते हैं, हमारी प्रेस्टीज इशू का बात है, मान सम्मान में कमी हो जाएगी। अरे सॉल्व करने का मतलब है मालिक वेरिएबल्स की वैल्यू निकालना। अच्छा, अब वेरिएबल्स की वैल्यू कैसे निकालोगे? अरे मालिक वन वेरिएबल है तो ऐसे निकालोगे, टू वेरिएबल है तो दो मेथड है आपके पास। अरे क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने की ये मेथड है। अरे ये कर क्या रही है, जो मेथड्स हैं ये क्या हैं? ये आपको इक्वेशन को सॉल्व करने में मदद करेंगे, ये मेथड से हम उपाय निकालेंगे एक्स की वैल्यू। बोलो ये पॉइंट क्लियर हुआ? अब एक एक करके आएंगे ना, अब एक एक करके आएंगे। बोलो क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? अब मुद्दा आता है, सर आपने कहा था पॉइंट इज टू पॉइंट इज व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्व, सॉल्व का मतलब क्या था? यस, अब सॉल्व का मतलब हमें समझ में आ गया। सॉल्व का मतलब है फाइंडिंग द वैल्यू, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ किसका, वेरिएबल्स इन द इक्वेशन। अब पॉइंट आता है, अब अगला पॉइंट, नाउ द पॉइंट इज, नाउ द पॉइंट इज हाउ टू सॉल्व, हाउ टू सॉल्व द इक्वेशंस। अब मुद्दे को सवाल दिमाग पूछ रहे ना, उसी को उतार रहा हूं मैं, तुम्हारे दिमाग में कॉमन सेंस है, ये आना ही चाहिए, ये आना ही चाहिए मालिक। अच्छा सॉल्व करना, ठीक है करेंगे सॉल्व। सॉल्व का मतलब होता है वेरिएबल की वैल्यू निकालना। अच्छा ठीक है, अब कैसे निकालें? पॉइंट इज हाउ टू सॉल्व, कैसे भैया कैसे, कौन बताएगा? मैं बताऊंगा, आओ दोस्तों। पहला दोस्तों यहां पे दो पॉइंट लिखो, यहां पे दो पॉइंट लिखो, यहां पे ऐसे दो पॉइंट में स्प्लिट करो इसको, इसको दो पॉइंट में से स्प्लिट करो। यहां पे लिखो हाउ टू सॉल्व में सब्जेक्टिव मेथड, सब्जेक्टिव मेथड, सब्जेक्टिव मेथड। और दोस्तों क्योंकि हमारा पेपर ऑब्जेक्टिव है और ऑब्जेक्टिव अप्रोच डेवलप ना करके जाएं तो मालिक लालच है तुम पर, यहां पे लिखो ऑब्जेक्टिव मेथड, ऑब्जेक्टिव मेथड, ऑब्जेक्टिव मेथड। चलो अब सब्जेक्टिव मेथड क्या है, ए मेथड्स, यहां पे लिखो मेथड्स, मेथड्स एज मेंशनड इन माइंड, इन माइंड मैप व्यू, एज मेंशनड इन माइंड मैप व्यू व्यू। एक बार फिर से लिखवाता हूँ मैं आपको यहाँ पे, ये देखो दोस्तों एक बार मैं फिर से लिखवा रहा हूँ। यहाँ पे लीनियर के लिए मैंने मेथड लिखवाया है आपको, क्वाड्रेटिक के लिए मेथड लिखवाया है आपको, क्यू यू ए डी क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। दोस्तों क्या मेथड है लीनियर में? सर लीनियर में दो बातें हैं, यहाँ पे मैं दोबारा लिखवा रहा हूँ, मजाक नहीं है। वन वेरिएबल, यहाँ पे टू वेरिएबल। चलिए सर यहाँ पे मेथड आपने लिखवाया है सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन, और दोस्तों यहाँ पर मैंने मेथड क्या लिखवाया है, एलिमिनेशन, एलिमिनेशन, एम आई एन एलिमिनेशन। और दूसरा क्या लिखवाया मैंने आपको यहाँ पे, क्रैमर्स। अच्छा क्वाड्रेटिक में क्या है दोस्तों, पहला क्या था स्प्लिट, पहला मेथड क्या लिखवाया था मैंने आपको, स्प्लिट, स्प्लिट, और दूसरा फॉर्मूला लिख दो, श्रीधर चार्य लिख दो यहाँ फॉर्मूला। और यहाँ पे क्या लिखवाया मैंने आपको, हिट एंड ट्रायल, हिट एंड रन नहीं, हिट एंड ट्रायल। दोस्तों मैंने पूरा चैप्टर दोबारा लिखवाया, ठीक है ना, ये माइंड मैप छोटा सा दोबारा लिखवा दिया मेथड्स का, ये मैंने आपको माइंड मैप में कवर करा दिया था, चाहो तो लिख लो वरना अवॉइड भी कर सकते हो, मेन तो मुद्दा यहाँ पे लिखना है। अभी मैं सिर्फ लिखवा रहा हूँ दोस्तों, सिर्फ चैप्टर को लिखवाने का काम कर रहा हूँ, 20 मिनट हो गए क्लास को शुरू हुए और मैंने सिर्फ लिखवाया, समझाया कुछ भी नहीं है। चैप्टर का फ्लो सही जाना चाहिए, चैप्टर का फ्लो दिमाग में सही जाना चाहिए बस तुम्हारे। एम पकड़ में आया? अब एम में इश्यूज लिखवा रहा हूं मैं आपको, क्या क्या है।
थोड़ा इसको सही कर दूं। मैं तो सही कर सकता हूँ भाई, तुम्हारा नहीं पता मेरे को। सर आप बहुत तेज हो सर, हमारा हमारे नोट्स का क्या होगा। अरे तुम्हारा नोट्स, तुम तो यार ऐसे इंसान हो जो नोट्स में ही तो काम करते हो, समझने में तुम्हारा ध्यान रहता भी कहाँ है। वन वेरिएबल टू वेरिएबल ठीक है, और क्वाड्रेटिक में कितने मेथड्स लिखवा दिए मैंने, दो स्प्लिट और दूसरा फार्मूला। फार्मूला कुछ नहीं, श्री धाराचार्य इंसान थे जिन्होंने एक फार्मूला लेके चले गए। चलो अब लिख लो, अच्छे से लिख लिया, मेक इट फास्ट। मेथड एज मेंशन्ड इन द माइंड मैप यू, मैंने दोबारा लिखवा दिया ठीक है। अच्छा अब आते हैं दोस्तों ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव मेथड से ही तो सारे क्वेश्चन करने हमें। ऑब्जेक्टिव मीन्स मीन्स ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव मेथड मीन्स, ऑब्जेक्टिव मेथड मीन्स मूविंग फ्रॉम, मूविंग फ्रॉम ऑप्शन टू क्वेश्चन, मूविंग फ्रॉम ऑप्शन टू क्वेश्चन, ऑप्शन से क्वेश्चन जाना। अब कैसे, सिंस, अब यहां पे लिखो 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 कैसे, अब सिंस सिंस लिखो, पहले पूरा समझाऊंगा मैं, सिंस पूरा लिख लो, पहले पूरा लिख लो दोस्तों, ताकि बाद में लिखने में ध्यान नहीं, क्या पूरे नोट्स एक तरफ हो जाएंगे ना, फिर क्वेश्चंस पूरे एक तरफ हो जाएंगे आपके ठीक है। और पहले मैं पूरा लीनियर इक्वेशन का बैकग्राउंड लिखवाऊंगा आपको, फिर क्वाड्रेटिक पढ़ाने का उसका बैकग्राउंड अलग लिखवाऊंगा, टेंशन ना ले, एक एक बात का जिक्र करूंगा, आप बिल्कुल भी लोड ना ले। लिखें यहाँ पे सिंस, स्टार्ट करें, सिंस क्वेश्चन इज डिमांडिंग, सिंस क्वेश्चन इज डिमांडिंग द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, the values of variable, यहां लिखो तो स्वाभाविक है, तो स्व 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 भाविक व व व स्वाभाविक, हो सकता है दोस्तों गलत स्पेलिंग हो, मेरी हिंदी कमजोर है, तो स्वाभाविक है कि ऑप्शन में, कि ऑप्शन में मैं जैसा लिखवा रहा हूं वैसे लिखो, तो स्वाभाविक है कि ऑप्शन में वेरिएबल्स, वेरिएबल्स की वैल्यू दी हुई है, दी हुई है, ऑप्शन में वेरिएबल्स की वैल्यू दी हुई है, हम ऑप्शन से में, हम ऑप्शन में से वैल्यू क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पुट करेंगे, पुट करेंगे, जो ऑप्शन, जो ऑप्शन LHS इक्वल टू RHS देगा वो ऑप्शन राइट, वो ऑप्शन राइट। चलिए अब इसको लिखें, मैं लिखने का टाइम दे रहा हूँ आपको, लिखें, ऊपर से दिखा रहा हूँ मैं ऑब्जेक्टिव, देखिए मैं ऊपर से दिखा रहा हूँ पूरा पूरा, लिखें ऑब्जेक्टिव मेथड दोस्तों, मैं ऊपर से दिखा रहा हूँ, 10 सेकंड है, ऊपर का नहीं लिखा तो पहले लिख लो। देखो मैं जब लिखने का टाइम दे रहा हूँ तो इत्मीनान से लिखो, लेकिन जब समझाऊंगा ना दोस्तों तो लिखने के अंदर मत घुसे रहना। मेक इट फास्ट, मेक इट फास्ट, फटाफट लिखो। Make it fast. लिख लिया सर, अब नीचे का दिखाएं। चलिए अब ये लिखेंगे, मैंने यहां तक दिखाया था, आपको यहां से लिखेंगे अब, तो स्वाभाविक है ये।
चलिए फटाफट लिखें, मेक इट फास्ट, मेक इट फास्ट। बस एक नोट लिखवाया मैंने एम, अब एक नोट और लिखवा दो। लिख लिया। देखो दोस्तों, ये चैप्टर ऐसा है जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, तो कोई भी नई बात नहीं मिलने वाली, बस पढ़ने का अंदाज बदल रहा हूँ मैं तुम्हारा। तुमने पता नहीं बचपन में कैसे पढ़ा है, लेकिन अब मैं तुमको ये चैप्टर कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए पढ़ाने वाला हूँ, और बस इसका अंदाज बदलने वाला हूँ। इस चैप्टर को पढ़ने का आज अंदाज पूरा बदल जाएगा। लिख लें, नहीं दिख रहा तो मैं जूम कर रहा हूँ, लो लिखो। मेक इट फास्ट। लिख लिया। चलिए दोस्तों, आई होप आप लोग ने लिख लिया है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अच्छा अब मेरी बात को समझना, एक एक नोट और लिखवा दो, पूरा समझाऊंगा, पूरा चैप्टर समझाऊंगा ना मालिक, अभी लिखना है लिखना। अरे लिख लो यार, नोट्स तो बनाना ही पड़ेगा ना, तुम तो कुछ करोगे नहीं, सफाई भी, शॉपिंग भी, 1 किलो शुद्ध नमक देना, सब काम मुझे ही तो करना है। आइए, नोट्स भी, समझाना भी, क्वेश्चंस भी, वर्कबुक भी, प्रैक्टिकल वर्कबुक भी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, सब तो मुझे ही तो करना है, तुम क्या करोगे? बस एग्जाम में बैठे परफॉर्म करके आओ, उतना ही बहुत है मेरे लिए। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमने ये स्टार्ट किया, हमने यहाँ पे लिख लिया। अब लिखो नोट नंबर टू। अब लिखोगे आप लोग नोट नंबर टू, अब लिखो नोट टू, नोट टू स्टार्ट करें। यस सर, नोट टू में क्या लिखें सर हम? आइए दोस्तों लिखो, लिखो व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट डू यू मीन बाय बाय वैल्यू ऑफ एक्स स्लैश रूट्स ऑफ एक्स रूट्स ऑफ इक्वेशन स्लैश सॉल्यूशन सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ये सबका मतलब क्या है? कई बार बच्चों को पता ही नहीं होता। ये वैल्यू ऑफ एक्स तो क्लियर हो जाता है, रूट्स क्या होते हैं यार, ये रूट्स वर्ड से डर, सॉल्यूशन अरे क्या है ये? अरे मालिक तीनों एक ही चीज है, अलग अलग पढ़ते हो। अच्छा रूट्स मांगा है तो कुछ और, सॉल्यूशन मांगा है तो कुछ और, अरे वैल्यू ऑफ एक्स मांगा, अरे सब एक ही है मालिक, सब एक ही है। लिखो यहां पे वैल्यू ऑफ एक्स, लिखे यहां पे वैल्यू ऑफ एक्स स्लैश, चाहे आप कह लो रूट्स ऑफ इक्वेशन, रूट्स ऑफ इक्वेशन, या तो आप कह लो सॉल्यूशन सॉल्यूशन। लिखो इन सभी का मतलब, मेरे साथ साथ लिखो दोस्तों, इन इन सभी का मतलब, का मतलब मतलब एक ही होता है, एक ही होता है, एक ही होता है। और वो क्या है सर? और वो क्या है? और वो है, और वो है एक्स की ऐसी वैल्यू, एक्स की अ, अब पता नहीं ऐसी कैसे लिखेंगे, ए ऑसी हो गया, ऐसी एक्स की ए सी वैल्यू, एक्स की ऐसी वैल्यू जो हमें एल एच एस इक्वल टू आर एच एस दे 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 दे। दोस्तों जैसा लिखवाया वैसा ही लिखना, मैं पूरी बात को भी जोड़ दूंगा, जितना भी कंटेंट लिखवाना हो सब जुड़ जाएगा, अभी सब जुड़ जाएगा, एक हो जाएगा पूरा जुड़ करके। अभी लिखो, मेक इट फास्ट, नोट नंबर टू लिखें, और एक नोट और लिखवाऊंगा, फिर हम क्लास को क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। मेक इट फास्ट, मेक इट फास्ट, जल्दी लिखें दोस्तों, एक नोट और बचा है, बस एक नोट और। लिख लिया वैल्यू ऑफ एक्स रूट्स ऑफ इक्वेशन सॉल्यूशन, इन सभी का मतलब एक ही होता है, और वो है एक्स की ऐसी वैल्यू जो हमें एल एच एस इक्वल टू आर एच एस दे दे। बोलो ये पॉइंट क्लियर हो गया? लिख लिया,
लिख लिया दोस्तों, चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। एक नोट और लिखेंगे, नोट नंबर 3, आज का आखिरी नोट, और फिर सवाल स्टार्ट हो जाएंगे हमारे, फिर क्वेश्चंस 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 ही चलेंगे यही बातों पर। आइए नोट नंबर 3, नोट नंबर 3 लिखे यहाँ पे, एन हाउ एन इक्वेशन हैज हाउ मेनी रूट्स, एन इक्वेशन हैव हाउ मेनी सॉल्यूशंस। देखो आप चाहे सॉल्यूशंस कह लो चाहे रूट्स कह लो, दोस्तों इसका एक सिंपल सा आंसर लिखो, जिस इक्वेशन की जितनी हाईएस्ट पावर होती है, जितनी हाईएस्ट पावर होती है उस इक्वेशन के उतने सॉल्यूशन होते हैं। दोस्तों जिस इक्वेशन की जितनी हाईएस्ट पावर होती है, मतलब कहना क्या चाहते हो दोस्तों, एक बात बताओ, अब मेरी बात को बहुत अच्छे समझना सर, बस खत्म हो गया। देखो मैं जानता हूँ आप लोगों को बोर हो रहा होगा चैप्टर, पर क्या करूँ, मेरा मकसद तो मेरे पूरे एक एक बेसिक चीज़ लिखवाना है। आइए सर, नहीं हो रहा, बिल्कुल बोर नहीं हो रहा, थैंक यू दोस्तों। अब एक बात बताओ, लीनियर इक्वेशन, अब लीनियर इक्वेशन की हाईएस्ट पावर क्या होती है, 1 होती है, तो इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्या होता है, क्यूबिक है। अब मेरी बात समझना, एक लीनियर इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 1 होती है, तो इसका होगा ओनली वन सॉल्यूशन। फटाफट लिखें इसे, फटाक से दोस्तों टेबल बनाए। चलिए पहले टेबल बना लें, लिखवा दूँ आगे, टेबल बनाने का टाइम दे दूंगा आपको, पहले लिखवा दूँ आगे पूरा, सर पहले पूरा लिखवा दीजिए काम। चलिए दोस्तों अब एक बात बताएं, क्वाड्रेटिक की हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 2 होती है, तो 2 सॉल्यूशन। अच्छा क्यूबिक की हाईएस्ट पावर 3 होती है, तो इसे कितने, 3 सॉल्यूशन। एक बात बताओ, यदि मान लो कोई ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर 5 है, ये इक्वेशन कितने सॉल्यूशन होंगे, सॉल्यूशन मतलब एक्स की कितनी वैल्यू होंगी, सर इस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 5 है, तो यहां पे एक्स की 5 3 4 5 5 वैल्यू होंगी, 5 अलग अलग ऐसी वैल्यू होंगी जो आपको एल एच एस इक्वल टू आर एच एस करके देंगी, समझ पा रहे हैं। लेकिन मुझे ये डिस्कस नहीं करना, मुझे मैक्स टू मैक्स क्यूबिक तक पढ़ना है, क्यूबिक के आगे मुझे जाना ही नहीं है दोस्तों। चलिए नोट नंबर 3 फटाफट लिखें, मैं आपको वो समय दे रहा हूँ, लीजिए लिखें फटाक से लिखें। अब नोट नंबर 3 लिखें आप, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों क्वेश्चंस, फटाफट करें, लिख लिया, ज़्यादा तो है नहीं लिखने को, लिखें फटाफट लिखें, इसके लिए मैं बहुत टाइम नहीं देने वाला आपको। चलिए सर आगे बढ़ जाएं आप, बिल्कुल आगे बढ़ जाएं। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ेंगे हमारे, देखो हमने कितने नोट लिखे, अब मेरे को इस चैप्टर को एक बार ओवरव्यू करवाने दो, मालिक मेरी बात समझिएगा, आपको इक्वेशन चैप्टर में पढ़ना है, इक्वेशन मतलब वेरिएबल की वैल्यू निकालना, साफ लग मैं चुका हूँ, इक्वेशन मतलब एनीथिंग रिटन विद द वेरिएबल्स, नंबर के साथ जब वेरिएबल आ जाते हैं एक्स वाई जेड, तो उसे हम इक्वेशन का दर्जा दे देते हैं। हमें दोस्तों इस इक्वेशन चैप्टर में पढ़ना है 3 इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। क्यूबिक तो हिट एंड ट्रायल है, टेंशन मत लो, ओके। क्वाड्रेटिक बताऊंगा इत्मीनान से, क्वाड्रेटिक आज का मुद्दा सिर्फ लीनियर इक्वेशन का है मेरा, तो अभी हम लोग सिर्फ लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं। लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है दोस्तों ऐसा इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है। अब हाईएस्ट पावर 1 मतलब चाहे भले एक से ज्यादा वेरिएबल हो एक्स वाई जेड, लेकिन सभी की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। अब हमें पढ़ना 2 वेरिएबल तक पढ़ना है, 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल। 1 वेरिएबल मतलब दोस्तों ऐसा इक्वेशन जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है, इस इक्वेशन में दोस्तों सिर्फ एक ही वेरिएबल है x, और 2 वेरिएबल मतलब ऐसा इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल है, ये देखो 2 वेरिएबल है इसमें। दोस्तों इसको सॉल्व करने के 2 तरीके, इसको सिंप्लीफिकेशन से सॉल्व करते हैं और 2 वेरिएबल को एलिमिनेशन से और क्रैमर रूल से सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पे एग्जाम ओरिएंटेड सिर्फ एक ही मेथड पढ़ेंगे, दैट इज दिस वन, ये हम पढ़ेंगे क्रैमर्स रूल। कहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग, हम पढ़ेंगे क्रैमर्स रूल को डिटर्मिनेंट में, ओके सर। दोस्तों इस चैप्टर में मेरा एम क्या है,
मेरा इस चैप्टर में एम है एक्स की वैल्यू को निकालना। सर एक्स की वैल्यू मतलब एक्स की ऐसी वैल्यू को निकालना जो मुझे एल एच एस इक्वल टू आर एच एस करके देगा। अब इस बात को मैं समझाऊंगा। अब इस चीज़ को सर सॉल्व करना, अब सॉल्व करने का मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू को निकालना। अब एक्स की वैल्यू निकलती कैसे, दो तरीके हैं। एक तो सब्जेक्टिव मेथड है, सब्जेक्टिव मेथड ये लीनियर इक्वेशन का ये कहता है सिंप्लीफिकेशन लगा लो, या तो एलिमिनेशन लगा लो, या तो क्रैमर्स रूल लगा लो। दोस्तों हम करेंगे भी, हम लगा के दिखाएंगे भी इसको। लेकिन एक और तरीका है, हमारा पेपर ऑब्जेक्टिव है, हमारा पेपर ऑब्जेक्टिव है, तो एक ऑब्जेक्टिव मेथड भी है। ऑब्जेक्टिव मेथड क्या है मुझे ये समझाने दो अब आप लोग, ठीक है, फिर हम स्टार्ट करेंगे लीनियर इक्वेशन के सवाल। अच्छा, और हम लोग 95 नहीं पूरे 100% क्वेश्चन करने वाले हैं किससे, ऑब्जेक्टिव मेथड से, ऑब्जेक्टिव मेथड से, ठीक है। आओ दोस्तों अब मैं आपको समझाने वाला हूँ, रूट्स का मतलब मैंने समझा दिया और इसका मतलब मैंने समझा दिया। अब ऑब्जेक्टिव मेथड कहना क्या चाहता है मेरा, समझो दोस्तों। एक इक्वेशन लिखा हुआ है, अब ये रफ वर्क है, ये रफ वर्क है, मुझे समझाने दो, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन करने का मैं पूरा समय आपको देने वाला हूँ, ठीक है। ओके सर, रफ वर्क। एक इक्वेशन है दोस्तों, 5x+2 इज इक्वल टू 12, इज इक्वल टू 12, ठीक है ना। मैंने कहा फाइंड द सॉल्यूशन कह दिया, फाइंड द सॉल्यूशन, या तो फाइंड द रूट्स, या तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। अरे यार क्या नाम दे रहा है, तीन अलग अलग नाम है, हनुमान जी के तीन नाम है ना, क्या है यार, मारुति हनुमान जी, श्री हनुमान, अरे मुझे नाम याद नहीं आ रहा, ठीक है ना। जैसे हनुमान जी के तीन तीन चार चार नाम है ना, भगवान के तीन तीन चार चार नाम होते हैं दोस्तों। आपका भी ना होता है एक निक नेम, एक मेन नेम, ठीक है ना, जो स्कूल में होता है, घर में होता है, घर में छोटू, छट्टू, पिंकू, पिंकी, मिंटू, चिंटू, ऐसे अलग अलग नाम होते हैं। मुझे नहीं पता मिंटू चिंटू किसके नाम है, ठीक है, मेरा भी इनमें से एक है। आइए तो दोस्तों वैसे बस नाम है, अरे एक ही बात है यार, एक ही बात है, वैल्यू ऑफ एक्स बोल ले, चाहे रूट्स बोले, चाहे सॉल्यूशन बोले, तीनों का मतलब एक ही है। सर क्या मतलब है इन तीनों का मतलब, मैंने लिखवाया है, देखो ये देखो दोस्तों, व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यू ऑफ एक्स, व्हाट डू यू मीन बाय रूट्स ऑफ इक्वेशन एंड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, समझो एक एक नोट का मतलब समझो दोस्तों। इन तीनों का मतलब एक ही है, इनका मतलब है, इन सभी का मतलब एक ही होता है, और वो है एक्स की ऐसी वैल्यू जो हमें एल एच एस इक्वल टू आर एच एस दे दे। मतलब दोस्तों मुझे यहाँ पे एक एक्स की ऐसी वैल्यू निकालना है जो मुझे एल एच एस इक्वल टू आर एच एस करके दे दे। देखो अब इसके दो मेथड हैं, एक तो ओरिजिनल मेथड क्या बोलता है सब्जेक्टिव मेथड, सॉल्व कर लो, सिंप्लीफाई करो, 5x+2 इज इक्वल टू 12 है, तो 5x इज इक्वल टू 12-2 कितना हो गया आपका, 5x इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 10, और x कितना आ गया 10/5 दैट इज 2। एक तो ये ओरिजिनल मेथड है, हम यहाँ पे जहाँ पे इजी होगा हम यहाँ पे ये लगाएंगे। लेकिन दोस्तों एक ऑब्जेक्टिव मेथड क्या कहता है, आपको ऑप्शंस दे के रखे, ऑप्शन ए है आपका 5, ऑप्शन बी है आपका 2, ऑप्शन सी है आपका 3, ऑप्शन डी है आपका नन। अच्छा अब इस बात को समझना, इस पर बेस्ड मैं 15-15, 20-20 क्वेश्चन करवाऊंगा फटाफट, और टाइम नहीं समझने वाला, मैं समझाने नहीं वाला, बस अब क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। ऑब्जेक्टिव मेथड समझने में ध्यान दो मालिक, और हमारा चैप्टर खत्म 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 खत्म। चाहे क्वेश्चन एक करो चाहे हज़ार करो, सबका मेथड तो एक ही है, तो एक करके खत्म कर देंगे इसको। मैं क्वेश्चन थोड़े होमवर्क ज़्यादा देने वाला हूँ आपको, लेकिन आई विल ट्राई कि मैंने जितने नोट्स में क्वेश्चन दिए हैं आपके, 70-80-100 जो भी क्वेश्चन है हमारे, मैं सारे क्वेश्चन आपको करवाऊँ। 40 क्वेश्चन मैंने क्वालिटिक में डाले हैं, और लगभग 30 क्वेश्चन इसमें डाले हैं, 40, 50, 60, 70, 70 से 80 क्वेश्चन होंगे हमें करना है क्लास में, 70 से 80 क्वेश्चन, समझना बात को। अब मैं पूरे क्वेश्चन करवाना चाहता हूँ, यदि आप लोग कॉन्सेंट्रेट करोगे तो हम लोग फटाफट क्वेश्चन को कर सकते हैं। आइए दोस्तों, ओके सर, अब सर ऑब्जेक्टिव मेथड क्या कहता है, ऑब्जेक्टिव मेथड समझो, ऑब्जेक्टिव मेथड मीन्स मूविंग फ्रॉम ऑप्शन टू क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव मेथड ये है, ऑप्शन से क्वेश्चन जा यार, ऑप्शन से क्वेश्चन जा, कहना क्या चाहता है तू, सिंस क्वेश्चन इज डिमांडिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, क्वेश्चन डिमांड कर रहा है वैल्यू ऑफ एक्स, अरे वैल्यू एक्स, एक्स बोल ले चाहे रूट्स बोल ले चाहे सॉल्यूशन बोल ले, बात एक ही है एक्स की वैल्यू। अच्छा तो स्वाभाविक है ऑप्शन में वेरिएबल की वैल्यू दी हुई है, जब वेरिएबल की वैल्यू मांगा है तो ऑप्शन में वेरिएबल की वैल्यू दे के रखा होगा, हमें तो चेक करना राइट कौन सी है। तो हम क्या करेंगे, हम ऑप्शन से क्वेश्चन में वैल्यू पुट करेंगे, और जिस भी ऑप्शन ने मुझे एल एच एस इक्वल टू आर एच एस करके दे दिया वो ऑप्शन राइट है। तो मैंने क्या किया, ऑप्शन ए के वैल्यू को पुट करके देखा। देखो ये क्वेश्चन सिंप्लीफाइड है, क्वेश्चन जो मैंने बुक में डाले डिफिकल्ट डिफिकल्ट डाले हैं, आप लोग सर सॉल्व नहीं कर पाएंगे, सर ऑप्शन से क्वेश्चन जाना है, ऑप्शन से क्वेश्चन जाना है, याद रखो तुम करोगे ऐसी हरकत, इसलिए अभी समझो, मैं समझा रहा हूँ इजी करके, लेकिन सवाल बहुत डिफिकल्ट करवाने वाला हूँ इसके, ठीक है सर। तो मालिक ऑब्जेक्टिव मेथड तो ये बोलता है वो वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा जिस ऑप्शन की वैल्यू पुट करने पर एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो जाए, सिंगम नहीं है, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो जाए। यस सर, तो मैंने ऑप्शन ए को राइट मान लिया, अरे तू राइट है मान लिया, पुट करके देखा यहाँ पे 5x+2 = 12 में पुट करके देखा,
पुट किया 5 5 जा, 5 × 5 + 2 = 12, 5 5 = 25 + 2 = 12, तो ये मेरा आ रहा है 27 = 12। क्या 27 12 के बराबर होता है? नहीं सर, LHS = RHS मिला? नहीं मिला सर, तो ये ऑप्शन हो गया आपका गलत। अब दूसरा ऑप्शन पुट करके देखो, यहाँ पे पुट किया सर 5 × 2 + 2 = 12, 5 × 2 = 10 + 2 = 12, तो ये आपका हो गया 12 = 12। क्यों, क्या ये ऐसा ऑप्शन है दोस्तों जो आपको LHS = RHS करके दे रहा है? यस, तो दोस्तों ये ऑप्शन राइट हो गया। क्यों? क्योंकि इस ऑप्शन ने आपको LHS = RHS करके दे दिया। दिस इज द ऑब्जेक्टिव मेथड। बोलो क्लियर हुआ? मैं चाहता हूं आप लोग एक बार इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो, मैं जो समझाना चाह रहा था, और मैं फिर स्टार्ट करूंगा सवाल को। चलिए एक बार ऑब्जर्व करके रखें, एक बार ऑब्जर्व करें मैंने क्या बताया, एक बार दोस्तों इत्मीनान से इस पॉइंट को दिमाग बैठा लो, जितने कंसेप्ट बताएं एक बार इसको रिकॉल कर लो एक बार। मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, इसलिए नहीं दिया है कि अब बातें करो, 2 मिनट दे रहा हूँ, एक बार पूरे चीज़ों को माइंड में बैठाओ। अब सवाल स्टार्ट होने वाले हैं, अब सवाल हमारे स्टार्ट होने वाले हैं। एक बार चलिए, 2 मिनट का समय दे रहा हूँ मैं आपको, 2 मिनट का समय दिया, एक बार जितना पढ़ाया चीज़ को अच्छे से दिमाग बैठाओ, स्थिर करो, क्योंकि मैंने काफ़ी चीज़ों को एक माइंड मैप के थ्रू बताया, एक बार ऑब्जर्व करो, दिमाग बैठाओ, अब मैं आगे बढ़ने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करें। नोट्स आपके पास हैं, क्वेश्चन को ट्राई करने का मैं आपको पूरा समय दूंगा, एक बार सभी बच्चे अपने आप पहले ट्राई करेंगे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है? चलिए स्टार्ट करें। यस सर, आ जाओ दोस्तों, अब लिखेंगे हम लोग लीनियर इक्वेशन का सिर्फ बैकग्राउंड। क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले, मैं बैकग्राउंड लिखवा रहा हूँ, ठीक है? इसका बैकग्राउंड। चलिए सबसे पहले यहां पे लिखो प्रॉब्लम्स ऑन वन वेरिएबल, देखेंगे हम पहले, फिर हम देखेंगे प्रॉब्लम्स ऑन टू वेरिएबल, फिर हम देखेंगे प्रॉब्लम्स ऑन थ्री वेरिएबल, फिर दोस्तों चौथा पार्ट हमारा आएगा, इसमें देखेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स, फिर वर्ड प्रॉब्लम्स करने के बाद दोस्तों हमारा लीनियर इक्वेशन होगा खत्म। दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ आवर MCQ। MCQ को दोस्तों मैंने आपको 4 पार्टों में बांट दिया, पहले मैं 1 वेरिएबल की प्रैक्टिस करवाऊंगा, फिर 2 वेरिएबल की प्रैक्टिस करवाऊंगा, फिर 3 वेरिएबल के भी एक आध सवाल करवा दूँ आपको, ताकि खुदा ना खास्ता एक क्वेश्चन दिख जाए तो आपको ये ना लगा अरे नहीं आता। यू शुड बी रेडी फॉर दैट। और फिर लास्ट में हम देखेंगे हमारा इसका वर्ड प्रॉब्लम। चलिए दोस्तों, दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ आवर लीनियर इक्वेशन, फटाफट लिखें। अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ प्रॉब्लम्स को, आइए और स्टार्ट करेंगे MCQ के क्वेश्चन नंबर 1 से। आइए सर, हो गया? डन दोस्तों, डन। आइए स्टार्ट करें। लगभग क्वेश्चन नहीं, 100% क्वेश्चन हम इसको ऑब्जेक्टिव मेथड से ही करने वाले हैं, क्योंकि वही राइट है, वही सही तरीका है। और टू वेरिएबल को दोस्तों याद रहे, यहां पे लिख लो, एक बार लिखना चाहते लिख लो, प्रेफर्ड ऑब्जेक्टिव मेथड, यहां पे लिखो प्रेफर्ड सब्जेक्टिव/ऑब्जेक्टिव, दोनों कर सकते हैं यहां पे हम दोस्तों, यहां पे हम प्रेफर करेंगे ओनली ऑब्जेक्टिव मेथड। इसको हम लोग, मैं इसकी अप्रोच लिखूंगा, वी विल डेवलप अप्रोच। मैं आपको इसमें अप्रोच डेवलप करवाऊंगा। चलिए लिखें, फटाफट लिखें दोस्तों। इस चैप्टर को जितना इत्मीनान से मैं पढ़ा रहा हूँ ना, लोग मैंने देखा क्लास में इस चैप्टर को बोलते हैं ये कर लेना, वो कर लेना, हो जाएगा। ना ना भैया, मेरा तो मानना है कि मुझे एक एक चीज़ को डिस्कस करना है क्लास में, एक एक चीज़ को, ताकि कभी आपके मन में ये ना रहे कि ये पार्ट यदि क्लास में हो जाता तो बहुत अच्छे से होता। हम क्लास में हर चीज़ डिस्कस करना चाहते हैं, एक एक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, ताकि आपके मन में कभी भी ये फीलिंग मैं अराइज नहीं होने दूंगा कि सर ये बहुत अच्छे से हो सकता था, ये और अच्छे से हो जाता सर तो और मज़ा आ जाता सर। ना 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 ना, हम सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से करेंगे। चलिए लिख लिया, डन और नॉट, डन
और नॉट। सर डन, चलिए आगे बढ़ूं। लिख लिया? यस सर। चलिए अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ दोस्तों, लेट्स बिगिन विद द, तालियों के साथ स्वागत करेंगे एमसीक्यू का सर, एमसीक्यूज, एमसीक्यूज का। आइए लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर वन। आइए, द इक्वेशन दिस विल बी सेटिस्फाइड फॉर एक्स इक्वल टू, अरे वैल्यू ऑफ एक्स रूट सॉल्यूशन, तू जो भी नाम यूज करेगा मैं घबराऊंगा नहीं, मैं तो समझ जाऊंगा कि तू चाहता है कि मैं एक्स की वैल्यू निकालूं। आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपका, माइनस सेवन एक्स प्लस वन इज इक्वल टू फाइव माइनस थ्री एक्स इज इक्वल टू फाइव माइनस थ्री एक्स। मुझे एक्स की वैल्यू निकालना है। देखो दोस्तों, मैं दोनों मेथड से करवाता हूँ। ऑप्शन ए दे के रखा है यहाँ पे टू, ऑप्शन बी दे के रखा है यहाँ पे वन, सॉरी माइनस वन, ऑप्शन सी दे के रखा है यहाँ पे वन, और ऑप्शन डी के दे रखा है नन। देखो वैसे तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे, एक्स एक्स को एक तरफ करेंगे, नंबर नंबर को एक तरफ करेंगे। चलो करो सर, ये देखिए माइनस थ्री ये यहाँ पे है, एक्स एक्स को एक तरफ करेंगे, इसको इधर लेके आओ, माइनस से तो प्लस होकर के आएगा, इज इक्वल टू फाइव, नंबर को उधर लेके जाओ माइनस वन होकर आएगा, कितना हो जाएगा माइनस सेवन एक्स प्लस थ्री एक्स, कितना हो जाएगा माइनस फोर एक्स, माइनस फोर एक्स इज इक्वल टू फाइव माइनस वन दैट इज फोर। तो आपका एक्स कितना आ गया, फोर अपॉन माइनस फोर कट गया, आपका आंसर आ गया माइनस वन। तो ऑप्शन आपका बी राइट है, माइनस वन। ये दोस्तों सब्जेक्टिव मेथड है, सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, मैंने लिखवाया था सिंप्लीफाई कर लो। ये तो दूसरा तरीका दोस्तों, ये ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव मेथड क्या कहता है, अरे तुझे एक्स की वैल्यू निकालना है ना, तो ऑप्शन में तो एक्स की वैल्यू दे के रखी हुई है, वो वाली एक्स की वैल्यू राइट हो जाएगी जिसने आपको एल एच एस इक्वल टू, जिसने आपको एल एच एस इक्वल टू आर एच एस करके दे दिया, जिसने एल एच एस इक्वल टू आर एच एस करके दे दिया। ये पॉइंट क्लियर हुआ सर? तो मैंने ऑप्शन से वैल्यू को उठाया, मैं जानबूझ के करेक्ट ऑप्शन को उठाऊंगा, ठीक है ना, ताकि हम क्लास में मेथड तो करें, क्वेश्चन भी कर लें, लेकिन टाइम वेस्ट ना करें। मैं पूरे क्वेश्चन में राइट मेथड को उठा करके चेक करवा दूंगा आपको, लेकिन एग्जाम में आपको हो सकता है ऑप्शन ए करना पड़ेगा, फिर बी करना पड़े, फिर सी करना पड़े। टेंशन ना ले, कैलकुलेटर जब तक है तब तक आपका टाइम बचेगा, ठीक है। आइए दोस्तों, मैंने ऑप्शन बी को उठाया, ऑप्शन बी को डायरेक्टली उठाया, पुट किया माइनस सेवन, एक्स की जगह माइनस वन पुट किया, एक्स की जगह माइनस वन यहाँ पुट हो गया, प्लस वन फाइव माइनस थ्री, एक्स की जगह पुट करना माइनस वन। देखो क्या ये ऑप्शन बी एल एच एस इक्वल टू आर एच एस करके दे रहा है क्या? सब पुट किया माइनस माइनस प्लस हो गया सेवन, प्लस वन इज इक्वल टू प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस थ्री, सेवन प्लस वन एट, फाइव प्लस थ्री एट। सर ये एल एच एस इक्वल टू आर एच एस करके दे रहा है, मतलब ऑप्शन बी इज राइट, ऑप्शन बी इज राइट। दिस इज द ऑब्जेक्टिव मेथड जो एग्जाम में आपको यूज करना है, और इसके अलावा कोई भी दूसरा मेथड रेफर नहीं करोगे मालिक, नहीं करोगे। अरे ये ऑप्शन ए को पुट करके चेक करना पड़ भी जाए ना, तो भी बहुत कम टाइम वेस्ट होगा, दो या दस पंद्रह सेकंड में ऑप्शन ए चेक हो जाएगा, पंद्रह से बीस सेकंड में ऑप्शन बी चेक हो जाएगा, थर्टी फोर्टी फाइव सेकंड्स में आपका फिर भी एक नंबर आपके हाथ में है। लेकिन मेथड में यदि आपने एक भी गलती कर दी, चलो ये तो आसान था, नहीं करोगे, अभी आगे आने वाले क्वेश्चन देखो हालत खराब हो जाएगी तुम्हारी। ओके सर, चलिए आगे बढ़ेंगे, इसे नोट डाउन करें, इसे नोट डाउन करें। लिख लिया? मेक इट फास्ट, मेक इट फास्ट। मेक इट फास्ट, फटाक से लिखें दोस्तों, मेक इट फास्ट, जल्दी लिखें। और जिसका भी क्वेश्चन नंबर वन लिख कर हो जाए, वो क्वेश्चन नंबर टू ट्राई करें, क्वेश्चन नंबर टू ट्राई करेंगे, फटाफट करो। कैलकुलेटर अपने हाथ में रखें और कैलकुलेटर का पूरा यूज़ करें। हो गया, लिख लिया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर टू ट्राई करें। अब मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज़ करना सिखाऊंगा कि कैलकुलेटर का बेहतरीन यूज़ आप इस चैप्टर में कितने अच्छे तरीके से, अरे सॉल्व ही नहीं करना, सॉल्व करना ही नहीं है आपको यहाँ पे।
चलिए सिखाता हूँ मैं भी आपको, अभी सिखाता हूँ। स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर टू। यस सर, चलिए लिखने का टाइम बहुत दे दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर टू, आइए लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर टू। समझना, पिक द पिक अप द करेक्ट वैल्यू ऑफ एक्स। वैल्यू ऑफ एक्स मतलब एक ही बात है, ऐसी एक्स की वैल्यू जो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस दे। एक्स अपॉन 30 इज इक्वल टू 2 अपॉन 45। दोस्तों इसका ओरिजिनल मेथड तो ये है, एक्स की वैल्यू निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 30 को वहाँ भाई, तो 2 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 45, ये कर सकते हो आप। ठीक है सर, एक तरीका और ये है सर। दूसरा तरीका, इसका अपना आंसर कितना जाएगा, 2 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 45। तो 2 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 45 कितना हो गया आपका, 2 इंटू 30 डिवाइड बाई 45 आपका हो गया ये, एक मिनट, 3 × 3 = 4/3। हाँ ये आपका आ गया 1.33। लेकिन सर ऑप्शन मैच नहीं हो रहा। अब देखो दोस्तों ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए है आपका 5, ऑप्शन बी है आपका 7, ऑप्शन सी है आपका 1/3 और ऑप्शन डी है आपका नन। देखो दोस्तों आपका तो 1.33 आ रहा है, पूरा फ्रैक्शन पूरा आंसर डेसिमल में निकाल लो, टेंशन मत लो ऑप्शन में डेसिमल में नहीं तो ऑप्शन को भी डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपने क्वेश्चन का आंसर आप डेसिमल में ही निकालना, ठीक है। चलो ये तो आंसर गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब सर इसको चेक कैसे करें दोस्तों, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, याद है दिस इंटू दिस प्लस दिस जो होता था वो न्यूमिनेटर बनता था, याद है। यस सर, 3 × 1 = 3, 3 + 1 कितना 4/3। अब 4/3 को भी डेसिमल में निकाल लो, 4/3 ये भी मेरा आ गया 1.33। मतलब कुल मिला के मैं कहना ये चाहता हूँ आपका आंसर भी 1.33 है और इसको जब मैंने कन्वर्ट किया तो ये भी 1.33 है, ये भी 1.33 है। तो आपको ऐसा नहीं करना सर इसको काटेंगे इसको फ्रैक्शन में, ना ना ना, ऑप्शन को भी डेसिमल में कन्वर्ट कर लो और आपका आंसर भी डेसिमल में निकालो। दैट्स ऑल माय डियर, समझ में आ रही बात को। यस सर, चलिए फटाफट इसे नोट डाउन करें, अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर, जिसका भी क्वेश्चन नंबर टू लिखकर हो गया वो क्वेश्चन नंबर थ्री ट्राई करें, जिसका भी हो गया वो क्वेश्चन नंबर थ्री ट्राई करें। मैं सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा लेकिन मैं चाहता हूँ एक बार आप लोग खुद ट्राई करो, एक बार आप लोग खुद ट्राई करो। द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, अरे सॉल्यूशन वर्ड यूज किया, अबे सॉल्यूशन वर्ड यूज कर, चाहे वैल्यू ऑफ एक्स यूज कर, तू कुछ भी यूज कर, इसका मतलब तो एक ही है, एक्स की वो वैल्यू जो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस दे देगी। ओके सर, आइए क्वेश्चन क्या है, एक्स प्लस 24 अपॉन 5 इज इक्वल टू 4 + x / 4। आइए मुझे x की वैल्यू निकाल, अब देखो अब बच्चों को लग रहा होगा सर डिफिकल्ट है सॉल्व करना, पूरा एलसीएम लेना पड़ेगा, ताम झाम करना पड़ेगा, तो क्यों सिंप्लीफाई कर रहे हो। ऑब्जेक्टिव मेथड क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव मेथड कहता है कि ऑप्शन से क्वेश्चन चले जाए यार, वो वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा जिसने आपको एल एच एस इक्वल टू आर एच एस करके दे दिया। अच्छा ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी क्या है, ऑप्शन बी सी है 16। अब मेरी बात समझो दोस्तों, वो वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा जिस ऑप्शन ने एल एच एस इक्वल टू आर एच एस दे दिया। आप लोग घर बैठ के ऑप्शन ए ट्राई करना, ऑप्शन बी ट्राई करना, मैं सीधे ऑप्शन सी ट्राई कर रहा हूँ, और देखना ऑप्शन सी ऐसा ऑप्शन है जो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस करके दे देगा। आप पुट करते हैं एक्स की जगह 16, पुट किया सर 16 + 24/5 = 4 + x / 16/4। बताओ एल एच एस कितना जाएगा, 16 + 24 = 40/5, ये पूरा सॉल्व करके हो गया 8। दो बताओ ये भी 8 हो रहा है क्या, ये तो 4 है प्लस 16 के नीचे सिर्फ डिवाइड बाय 4 है, तो 16/4 ये भी आ गया मेरा 4। सर ये हो रहा है एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, 8 = 8। मतलब ऑप्शन सी ऐसा ऑप्शन है जो आपको एल एच एस इक्वल टू आर एच एस करके दे रहा है, तो ऑप्शन सी राइट है। बाकी सारे ऑप्शन पुट करके देखना, देखो कितना समय लगा मुझे राइट ऑप्शन को पुट करने में, 10 सेकंड तो लगा, समझाते हुए 10 सेकंड लगा। आप खुद करोगे फटाफट होगा, फटाफट होगा काम, कैलकुलेटर में करना। ऑप्शन सी को राइट माना तो एल एच एस आगे 16 + 8, यहाँ पुट किया 16/4 + 4 = 8। काम कैलकुलेटर में करना है आपको, लिखना भी नहीं है, लिखो। फटाफट लिखो, मेक इट फास्ट। वी आर डन विथ क्वेश्चन नंबर टू, वी आर डन विथ क्वेश्चन नंबर थ्री। आप लोग ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर, आप सभी लोग ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर, मेक इट फास्ट, जल्दी से दोस्तों क्वेश्चन नंबर फोर ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर फोर ट्राई करो। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर थ्री जिसका भी लिख कर हो गया है वो क्वेश्चन नंबर फोर ट्राई करें। चलिए हो गया, यस सर, ये लिख लिया, कुछ है नहीं लिखने को। चलिए नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर, एट इज सॉल्यूशन ऑफ आठ किसका सॉल्यूशन है। मैं सीधे ऑप्शन बी को लेता हूं। सर सॉल्यूशन मतलब एक्स किसकी, कौन से इक्वेशन में एक्स की वैल्यू एट डालने पे LHS इक्वल टू RHS मिलेगा। एट किसका सॉल्यूशन है, कौन से इक्वेशन की में एक्स की वैल्यू एट डाल सकते हो। सर उस ऑप्शन में एक्स की जगह एट डाल सकते हैं जहां पे एट पुट करने पर LHS इक्वल टू RHS मिलता हो। मैंने ऑप्शन बी को लिखा एक्स प्लस फोर अपॉन टू प्लस एक्स प्लस टेन अपॉन नाइन इज इक्वल टू एट है। मैं यदि यहाँ पे ऑप्शन में एक्स की जगह एट पुट करूंगा और इसने मुझे LHS इक्वल टू RHS दे दिया, ऑप्शन बी का उपाय बन जाएगा, ये सॉल्यूशन बन जाएगा। आई पुट करते हैं, एक्स की जगह मैंने एट पुट किया, एट प्लस फोर डिवाइड बाई टू प्लस एट प्लस टेन डिवाइड बाई नाइन इज इक्वल टू एट आना चाहिए। देखते हैं, एट प्लस फोर डिवाइड बाई टू कर दो, एट प्लस फोर डिवाइड बाई टू कितना होगा, ये हो गया आपका सिक्स प्लस एट प्लस टेन डिवाइडेड बाई नाइन कर दो कितना हो गया टू, ये आपका हो गया एट इज इक्वल टू एट, मतलब दिस इज द राइट। मतलब एट कौन से इक्वेशन का सोल्यूशन है, ऑप्शन बी का इक्वेशन का सोल्यूशन है। क्यों, क्योंकि सोल्यूशन का मतलब ये होता है एक्स की ऐसी वैल्यू जो मुझे एल एच एस इक्वल टू आर एच एस देते, और ऑप्शन बी में पुट करने पर ये एल एच एस इक्वल टू आर एच एस दे रहा है, तो ये ऑप्शन राइट है। दोस्तों पूरा चैप्टर खत्म हो गया है, पूरा चैप्टर खत्म हो गया, या आपको ट्राई करने पर मैं फिर भी करवाऊंगा सारे क्वेश्चन। आइए वी आर डन विथ क्वेश्चन नंबर फोर। चलिए नाउ आप सभी लोग ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर फाइव, आप सभी लोग ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव, मैं आपको वेट कर रहा हूँ। डरने का नहीं, ऑप्शन को भी डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, पुट कर लो, डरना मत, मैं हिंट दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फाइव को देख के डरो मत दोस्तों, आ जाएगा आंसर। डरने का बिल्कुल भी नहीं, करो ट्राई। बस दोस्तों मैं आठ क्वेश्चन करवा दूँ, पूरे कराऊंगा सारे क्वेश्चन, मैं सारे कराऊंगा क्लास में, एक भी क्वेश्चन होमवर्क देने के लायक नहीं है, मैं करवाऊंगा ताकि आपको क्लास में, आपको भले लग रहा होगा सर क्यों कर रहे हैं हम घर में कर लेंगे ना, हम सब कुछ क्लास में करेंगे। आगे बढ़ जाऊं, यस सर, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर फाइव। आगे बढ़ जाऊं सर, क्वेश्चन नंबर फाइव, चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव कॉन्सेंट्रेट करिएगा। क्वेश्चन नंबर फाइव क्या लिखा हुआ है, सो y प्लस इलेवन डिवाइडेड बाई सिक्स माइनस y प्लस वन डिवाइडेड बाई नाइन इज इक्वल टू y प्लस सेवन डिवाइड बाई फोर। ओके सर, y की वैल्यू निकालना है मुझे, ऑप्शन ए दे के रखा है माइनस वन, ऑप्शन बी दे के रखा है यहाँ पे सेवन, ऑप्शन सी दे के रखा है आपका वन, और ऑप्शन डी दे के रखा है माइनस वन अपॉन सेवन। अब मेरी बात को कॉन्सेंट्रेट करना, चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो, लेकिन सबको पता है सिंप्लीफाई करने में एलसीएम लेना, ताम झाम करना, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। सर हमें तो जाना है ऑब्जेक्टिव से, अब ऑब्जेक्टिव मेथड दोस्तों कैसे लगाएं। चलिए मैं यहाँ पे आता हूँ, सीधे राइट ऑप्शन है ये। अब हालांकि देखो वन माइनस वन अपॉइंट सेवन देख के डर लग रहा है, अब मेरी बात समझना प्लीज़, बहुत अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करना, ये क्वेश्चन में पूरी प्रैक्टिस होने वाली है। नीचे ये क्वेश्चन को होमवर्क देने की कोशिश करूंगा, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो प्लीज़। अभी कोई भी नहीं लिखेगा, मैं यहाँ कोई काफ़ी सारी नई बातें करूंगा इस सवाल में, समझना। आप लोग माइनस वन अपॉइंट सेवन को पुट करने में डर रहे हो, सब माइनस वन अपॉइंट सेवन यहाँ पुट करेंगे ऊपर एलसीएम डिनोमिनेटर, काफ़ी कन्फ्यूजन हो रहा है। तो मेरी बात समझो, आपको माइनस वन अपॉइंट सेवन से डर लगता है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। सब वन डिवाइडेड बाई सेवन, 0.142857 राउंड ऑफ करके टू डिजिट तक ले लो, माइनस पॉइंट वन फोर टू एट, समझ पा रहे बात को। आप क्या करेंगे, इसको डेसिमल में लो, -0.1428। आपको माइनस वन अपॉइंट सेवन पुट करने में दिक्कत हो रही है, जब तक कैलकुलेटर डेसिमल डेसिमल पुट करने में टेंशन लेने का नहीं, पूरा काम तो कैलकुलेटर करेगा, तुम्हारे दिमाग को नहीं करना है। काफ़ी सारे बच्चों के दिमाग में रहता है सर डेसिमल डाल देंगे सॉल्व कैसे करेंगे, डेसिमल डाल के सॉल्व करना तब टेंशन वाला काम था जब हमें काम अपने हाथों से करना था, लेकिन जब हमें काम हमारा कैलकुलेटर अलाउड है, कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए तैयारी कर रहे हो, तब डरने की आवश्यकता नहीं है। ओके सर, आइए मैं ऑप्शन डी पुट करता हूँ और आपकी प्रैक्टिस करवाता हूँ।
सब अभी कोई नहीं लिखेगा, लिखने का टाइम दूंगा, पहले यहाँ पे ध्यान दो। -0.1428 +11 डिवाइडेड बाय 6, माइनस है ब्रैकेट लगा दो ताकि गलती ना हो, वाई की जगह -0.1428 +1 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू वाई की जगह -0.1428 +7 डिवाइडेड बाय 4। बोलो ये पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। अब सॉल्व कर लो, जो भी यदि इस ऑप्शन में LHS इक्वल टू RHS दे दिया तो ऑप्शन डी राइट है। अब ये सॉल्व करते हैं, 11 में माइनस करना है 0.1428 को, 11 माइनस 0.1428 कितना आ गया मेरा, ये मेरा आ गया, और डिवाइड बाय 6 भी कर दूं सर, डिवाइड बाय 6 भी कर दो, ये आपका आ गया 1.8095, राउंड ऑफ करके 4 डिजिट तक लेने का, बस सिर्फ 4 डिजिट तक लेने का, 11 माइनस कर दिया डिवाइड बाय 6 करके पुट कर दिया, माइनस ब्रैकेट लगाया, 1 माइनस करना है, 1 माइनस 0.1428 मेरा पॉजिटिव हो गया, डिवाइडेड बाय 9, डिवाइडेड बाय 9 ये मेरा आ गया -0.09524524। चलो चार डिजिट तक लेना, 0.952, 0.0952 हो गया। सर इसको भी सॉल्व कर दो, 7 माइनस 0.1428 जो भी आया, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4 ये मेरा आ गया 1.7143। देखते हैं क्या ये भी सॉल्व करके उतना हो रहा है क्या, 1.8095 माइनस 0.9 सॉरी 0.0952 ये भी मेरा आ गया 1.7143 इज इक्वल टू 1.7143 LHS इक्वल टू RHS आ रहा है, मतलब ये ऑप्शन राइट है, दैट्स ऑल। देखो अभी इसको मैं एक्चुअल मेथड से सॉल्व करता कितना टाइम वेस्ट होता, अरे बस ऑप्शन पुट करो, जिस ऑप्शन ने LHS इक्वल टू RHS दे दिया वो ऑप्शन राइट है। अब बच्चों को दिक्कत हो रही थी ये ऑप्शन पुट करने में, इसीलिए मैंने कहा जब ऐसे ए अपॉन बी के फॉर्म में डेसिमल में निकालो डेसिमल पुट करो, जब तक कैलकुलेटर अलाउड है आप डरा मत करो, इन चीजों से डरना बंद करो। ये पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। अब लिख सकते हो आप लोग, लिखो अब लिखो, मेक इट फास्ट। दोस्तों मैं काफी टाइम दे रहा हूँ इस चैप्टर में आपको, इसलिए दे रहा हूँ ताकि घर जाके प्रैक्टिस करने में डरो ना, डर आपके मन में डर बैठा है और उस डर की वजह से इस चैप्टर को मैं इतना टाइम दे रहा हूँ, वरना ये चैप्टर इतना टाइम देने लायक है ही नहीं, सिर्फ आपके डर की वजह से। चलिए लिख लिया, जिसका भी क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हो गया वो क्वेश्चन नंबर सिक्स ट्राई करें, जिनका भी क्वेश्चन नंबर फाइव हो गया है वो क्वेश्चन नंबर सिक्स को ट्राई करें। बिगन विद द क्वेश्चन नंबर सिक्स, हो गया? चलिए आगे बढ़ रहा हूं दोस्तों, मैं काफी टाइम देता हूं लिखने का आपको। क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स, चलिए मेक इट फास्ट, जिसका भी क्वेश्चन नंबर फाइव हो गया सिक्स ट्राई करें, काफी बच्चों ने सारे क्वेश्चन ट्राई भी कर लिए होंगे। लेट्स बिगन विद द क्वेश्चन नंबर सिक्स। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, सॉल्यूशन मतलब वेरिएबल की वैल्यू निकालना, वेरिएबल क्या है वहां पे, पी लिखो, इक्वेशन क्या है, पी प्लस टू इंटू ब्रैकेट में, पी प्लस टू इंटू पी माइनस थ्री प्लस ब्रैकेट में पी प्लस थ्री इंटू ब्रैकेट में पी माइनस फोर इज इक्वल टू पी इंटू ब्रैकेट में टू पी माइनस फाइव। सॉल्यूशन निकालना है मतलब पी की वैल्यू निकालना है। ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए है दोस्तों सिक्स, ऑप्शन बी क्या है सेवन, ऑप्शन सी क्या है, ऑप्शन सी है फाइव। चलिए मैं ऑप्शन ए पुट करता हूँ, ऑप्शन ए पुट करता हूँ, पी की जगह सिक्स पुट करता हूँ, सिक्स प्लस टू कितना एट, सिक्स प्लस टू कितना एट इंटू सिक्स माइनस थ्री कितना थ्री प्लस सिक्स प्लस थ्री कितना नाइन इंटू सिक्स माइनस फोर कितना टू इज इक्वल टू
पी की जगह 6 पुट किया, 2 इंटू 6 माइनस 5, 8 थ्री जा 24 प्लस 18 इज इक्वल टू 6 इंटू ब्रैकेट 12 माइनस 5 कितना हो जाएगा 7, 12 माइनस 5 कितना हो जाएगा यहाँ पे 7, बोलो सो ये कितना आ गया 24 प्लस 18, 24 प्लस 18 ये आपका हो गया 42 इज इक्वल टू 7, 5 जा 35, 7 6 जा 6 इंटू 7 कितना हो गया आपका ये 42। दोस्तों ऑप्शन ए ऐसा ऑप्शन है जिसने आपको एल एच एस इक्वल टू आर एच एस दे दिया, तो ऑप्शन ए भी हो गया राइट, ऑप्शन ए हो गया राइट। चलिए मैं दिख नहीं रहा था पर सवाल तो पूरा समझ में आ गया होगा, यस सर। क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया, यस सर। दोस्तों बस मैंने ऑप्शन को पुट करके देखा है, ऑप्शन को पुट किया है, दैट्स ऑल। जिस भी ऑप्शन ने एल एच एस इक्वल टू आर एच एस दे दिया वो ऑप्शन राइट है, यस सर। चलिए लिख लिया होगा, लिखने का टाइम वैसे दे दिया साथ में, आसान है यार, मैं क्या बताऊं, अब आसान है, इसमें मेरी क्या गलती। चलिए जिसका भी हो गया है वो क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करें, जिनका भी क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है वो क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करेंगे, करो क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करें। चलिए लिख लिया, जिसका भी क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है वो क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करें, एक बार देखना विकास, ठीक है। चलिए लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 7। लिख लिया यार, कितना टाइम दूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, आइए 12x प्लस 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू 15x माइनस 1 अपॉन 5 प्लस 2x माइनस 5 अपॉन 3x माइनस 1 अपॉन 3x माइनस 1। दोस्तों देखो अब यहाँ पर टाइम वेस्ट होता सॉल्व करने जाएंगे, सिंप्लीफाई करने में कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट तो हो गई होगा। आइए ऑप्शन से क्वेश्चन देंगे, ऑप्शन 1 है x की वैल्यू 1, ऑप्शन बी x की वैल्यू 2, ऑप्शन सी x की वैल्यू 5 और ऑप्शन डी x की वैल्यू 7। दोस्तों जो भी ऑप्शन पुट करोगे पूरा काम आप कैलकुलेटर में ही कर सकते हो, ये तो मैं जानबूझ के यहाँ पे लिखता हूँ। चलो आज ये वाला जो सवाल है ना, मैं पूरा काम कैलकुलेटर में भी करके दिखाता हूँ आपको, और पूरा का पूरा काम पहले मैनुअली करते हैं फिर इसी पूरे काम को कैलकुलेटर में करके देखेंगे, ठीक है। आओ मैं ऑप्शन डी राइट आंसर को डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, आप लोग ये ना समझें सर डी ऑप्शन पहुँचने में टाइम लगेगा, मैं कैलकुलेटर में करवाऊंगा अभी आपको पूरा काम, ठीक है। आइए पुट किया 12 इंटू 7, ये कहूँ तो ये वाला काम भी अवॉइड कर सकता हूँ, 12 इंटू 7 करके लिख सकता हूँ यहाँ पे मैं, लेकिन लिख रहा हूँ 12 इंटू 7 प्लस 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू 15 इंटू 12 माइनस 1 अपॉन 5 प्लस 12 कहाँ से पुट कर दिया, 7 पुट करना था, 12 इंटू 7 प्लस 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू 15 इंटू 7 माइनस 1 अपॉन 5 प्लस 2 इंटू 7 माइनस 5 अपॉन 3 इंटू 7 माइनस 1। आओ सॉल्व कर लें, यस सर 12 इंटू 7 प्लस 1, 12 इंटू 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ गया मेरा, ये मेरा आ गया 21.25 इक्वल टू, यहाँ पे पुट करो 15 इंटू 7 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ गया 20.8 प्लस 2 इंटू 7 माइनस 5 ऊपर आ गया 9 डिवाइड बाय 3 इंटू 7 माइनस 1 कितना आ गया 20। सॉल्व कर लो 21.25 इज इक्वल टू 20.8 प्लस 9 डिवाइड बाय 20.45 कितना आ गया, ये भी 20.8 प्लस 0.45 दैट इज 21.25। दोस्तों ऑप्शन डी ऐसा ऑप्शन है जो आपको एल एच एस इक्वल टू, वही बात है यार बार बार वही करवा रहा हूँ, ऑप्शन डी ऐसा ऑप्शन है जो आपको एल एच एस इक्वल टू आर एच एस दे रहा है तो वो ऑप्शन राइट है। आइए इसको नोट डाउन करें, फिर मैं पूरा काम कैलकुलेटर में करवाऊंगा, फटाफट इसे नोट डाउन करें, फिर पूरा का पूरा काम मैं आपको कैलकुलेटर में कैसे करना सिखाऊंगा अभी, फटाफट नोट डाउन करो, मेक इट फास्ट।
मेक इट फास्ट, जल्दी लिखें। लिख लिया सर, लिख लिया। चलिए अब दोस्तों ये पूरा का पूरा काम कैलकुलेटर में करने वाले हम। लिख लिया, मैं पूरा काम कैलकुलेटर में करवाने वाला हूँ, आपका पूरा ध्यान मुझे यहाँ पर चाहिए। ओके सर, सुनिए आप लोग दोस्तों ये इक्वेशन की तरफ ध्यान दो, ये इक्वेशन, ये आप सभी बस कॉपी में लिखी हुई है। अब मैं इक्वेशन में यहाँ डायरेक्टली परफॉर्म करूँगा, या तो मैं कैलकुलेटर दिखा सकता हूँ या तो क्वेश्चन दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन है, मैं एक्स की जगह 7 पुट करके पूरा काम करूँगा, आप लोग कॉपी में देखिएगा और यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहला इक्वेशन लिखा है 12x प्लस 1 अपॉन 4, x की जगह 7 पुट करना है तो क्या हो जाएगा मेरा 12 इंटू एक्स, एक्स की जगह मैं 7 पुट करूंगा ऑप्शन डी, 12 इंटू 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4, कितना हो गया मेरा डिवाइड बाय 4, 21.25। क्लियर है, दिख रहा है अच्छे से? यस सर, 21.25। अब इस 21.25 को पूरा सॉल्व करके लिख लिया वहाँ पे 21.25, जो काम हमने अभी पूरा मैनुअली किया था वो काम पूरा कैलकुलेटर में कुछ सेकंड में कर लिया। यस सर, आइए एलएचएस हो गया, अब आरएचएस की तरफ आते हैं। अब आरएचएस में पहला इक्वेशन लिखा है 15x माइनस 1/5, 15 इंटू एक्स, एक्स की जगह क्या पुट करना है 7, मैंने अब 7 पुट किया, 15 इंटू 7 एक्स माइनस 1, जो भी आया उसमें माइनस 1 डिवाइडेड बाय कितना दोस्तों 5 इक्वल टू, ये सॉल्व करें 20.8 आ गया, इसके आगे प्लस का साइन लगाया तो इसको मैंने मेमोरी में डाल दिया, इसको मैंने मेमोरी में डाल दिया। आप इसको लिख सकते हो कॉपी में वहाँ पे जो मैंने लिखवाया था सॉल्व करके। अगला इक्वेशन है 2 इंटू एक्स, कितना 7 माइनस 5, ऊपर कितना आ गया मेरा 9, अब 9 को दिमाग में रखो कुछ समय तक, 9 को दिमाग में रखो, और नीचे क्या है 3 इंटू 7 माइनस 1, मतलब ये पूरा सॉल्व करके आता 9/20, तो मैं क्या करूँगा इसको 9 डिवाइडेड बाय 20 कर लिया, ये मेरा आ गया 0.45, जो पहले आया था मेरा उसको मैंने मेमोरी में डाला था, ये वाला इक्वेशन सॉल्व करके भी 0.45 आ गया, इसको भी मैंने मेमोरी में डाल दिया और फिर मैंने दबा दिया मेमोरी रिकॉल का बटन 21.25। देखो जो कैलकुलेटर के बटन थे, जो कैलकुलेटर के बटन थे एम प्लस एम आर सी, इनका यूज़ किया, क्यों लिख रहा है यार ये काम, बच्चा थोड़ी ना हूं मैं, क्यों लिख रहा है ये, क्यों लिख रहा है, अरे सीधे 12 इंटू 7 प्लस 1/4 की वैल्यू निकाल, सीधे इसकी वैल्यू कैलकुलेटर में निकाल, इसकी वैल्यू कैलकुलेटर में निकाल, एक स्टेप लिख बस लिखना है तो 21.25 आ गया, ऑप्शन डी राइट है। इस तरीके से आपको एग्जाम में करना है, ये लिखना तो आप एक कॉपी कंप्लीट करवाना की फॉर्मेलिटी करवा रहा हूं मैं, लेकिन एक्चुअल काम आपको सिर्फ ये करना है घर स्कूल में, सॉरी एग्जाम में। यस सर, चलिए आगे बढ़ जाएं। यस सर, वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 7, आइए लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8, लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8। आइए दोस्तों, ये लिखने का टाइम पूरा दे दिया था मैंने, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, एक्स अपॉन 0.5 प्लस सॉरी माइनस 1 अपॉन 0.05 प्लस एक्स अपॉन 0.005 माइनस 1 अपॉन 0.305 इज इक्वल टू 0, वो वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा जिसने एलएचएस इक्वल टू आरएचएस दिया माय डियर, दैट्स ऑल। चलिए ऑप्शन ए है यहां पे 0, ऑप्शन बी है यहाँ पे 10, सॉरी ऑप्शन बी आपका यहाँ पे कितना है 1 और ऑप्शन सी है आपका 10। मैं सीधे राइट आंसर ले रहा हूँ ऑप्शन सी, सीधे मैं राइट आंसर लूंगा ऑप्शन सी को, ठीक है, सीधे राइट ऑप्शन लूंगा। आइए पुट करें। यस सर, 10 अपॉन 0.5 माइनस 1 अपॉन 0.05, यहाँ तो x है नहीं, प्लस यहाँ पे x है, x इज 10 अपॉन 0.005 माइनस 1 अपॉन 0.0005। उम्मीद करते हैं ये मुझे जीरो के बराबर दे दे, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस कर दे, 10 डिवाइड बाय 0.5, अरे काम यहाँ पे करो 10 डिवाइड बाय 0.5, पहले पूरे मैनुअली करते हैं, ये मेरा आ गया यहाँ पे 20 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.05, ये भी मेरा आ गया 20 प्लस
टेन डिवाइडेड बाय 0.005, ये मेरा आ गया 2000, माइनस 1 डिवाइड बाय 0.0005, ये भी मेरा आ गया 2000। 20 से 20 कट गया, प्लस 2000 से माइनस 2000 कट गया, 0 इज इक्वल टू 0। मालिक ऑप्शन सी आपको LHS इक्वल टू RHS दे रहा है, इसलिए वो ऑप्शन देखो दिखने में कितना डिफिकल्ट, कितना डिफिकल्ट दिखने में, लेकिन सॉल्व किया तो चुटकियों में आ गया। ये इक्वेशन चैप्टर की खासियत है, आसान, देख के डर आता है, और सिर्फ तुम्हारे डर निकालने की वजह से मैं एक एक क्वेश्चन को क्लास में किया, मैंने एक एक क्वेश्चन को क्लास में करवा रहा हूँ, वरना दोस्तों कोई भी सेंस नहीं बनता एक एक क्वेश्चन को करने का, कोई भी सेंस नहीं बनता, लेकिन हमने पूरा एक एक क्वेश्चन क्लास में किया, इसलिए ताकि आपके मन में कोई डर ना बैठे दोस्तों, पूरा एक और माइंड मैप व्यू से शुरू किया चैप्टर को। और दोस्तों मैं बता दूं हमने कौन सी सीढ़ी चढ़ गए, हम ये वाली सीढ़ी चढ़ गए, इन वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल सॉल्व करना सीख गए। अब दोस्तों मैं स्टार्ट करूंगा इन टू वेरिएबल। चलिए दोस्तों, नाउ लेट्स बिगिन विद द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखो मैंने कहा था ना क्वेश्चंस करवाऊंगा पूरे पूरे के पूरे, एक एक क्वेश्चन करवाया। देखो जो मेरा लीनियर इक्वेशन का बैकग्राउंड था, प्रॉब्लम्स ऑन वन वेरिएबल हमारा डन हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम्स इन टू वेरिएबल। चलिए आज का मेरा मुद्दा बस यही है कि प्रॉब्लम्स इन टू वेरिएबल मुझे करवाने दो और आज की क्लास में खत्म कर दूंगा, मैं जानता हूं। और मुझे अगली क्लास लग जाएगी एक वर्ड प्रॉब्लम करवाने में, थ्री वेरिएबल और वर्ड प्रॉब्लम करवाने में, और वर्ड प्रॉब्लम के साथ साथ मैं अगली क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 50% कंटेंट करवा दूंगा। टोटल मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन मिला के 3 लेक्चर चाहिए, ठीक है, 3 लेक्चर। 3 लेक्चर में पूरा चैप्टर आपके दिमाग में बैठ जाएगा अच्छे से। देखो ये चैप्टर तो मैंने आपको इस तरीके से पढ़ाया है, आपको रिवीजन का इसका टेंशन भी नहीं होना चाहिए कि सर वी हैव टू वरीड अबाउट द रिवीजन। चैप्टर खत्म, बात खत्म, दैट्स ऑल, ये एटीट्यूड से खत्म करना है। आइए दोस्तों, लेट्स बिगिन विद द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ पे हमने वन वेरिएबल की समझा पहले, और अब टू वेरिएबल को स्टार्ट करेंगे, उसमें मेथड की स्टार्ट करेंगे। आइए लेट्स बिगिन विद द प्रॉब्लम्स ऑन, लिखो यहाँ पे, इसको मैंने पहला नाम दे दिया था एमसीक्यू को, चलो इसको नाम टू दे दो, टू नाम दे दो इसको, टू। देखें यहाँ पे इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अच्छा अब यहां बात समझना, इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एक पॉइंट लिखोगे पहले, एक नोट लिखो पहले यहां पे लिखो, पहले इसको लिखो फिर समझाता हूं, ठीक है। किसी भी अरे यार लिखो, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको उतनी इक्वेशंस पता होनी चाहिए जितने वेरिएबल्स दिए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो दो वेरिएबल का इक्वेशन है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, और मैं आपसे ये कह दूं फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो ये सवाल गलत है। आपको जितने वेरिएबल दिए हैं, दो वेरिएबल दिए हैं, तो कम से कम आपको दो इक्वेशन भी चाहिए। समझ पा रहे हैं बात को? देखो किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको उतनी इक्वेशन चाहिए, पता होना चाहिए जितने वेरिएबल दिए हुए हैं। अभी हम लोग वन वेरिएबल की इक्वेशन कर रहे थे, तो एक ही वेरिएबल था, इसलिए इक्वेशन भी एक ही देके रखा था आपको। लेकिन अब जो सवाल करने वाले हैं, दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई, तो आपको कम से कम सवाल में दो इक्वेशन देना चाहिए। तो अभी यहाँ पे सवाल इनकम्प्लीट है, एक और इक्वेशन देना पड़ेगा, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 20। यस पॉसिबल, ऐसा लिखो, नाउ इट इज पॉसिबल to find the value of x and y, क्योंकि दो वेरिएबल थे, अब दो इक्वेशन दिया, yes, अब आप x और y की वैल्यू
निकाल सकते हैं। यस सर, चलिए लिख लिया इसको, मेक इट फास्ट, डन, फटाफट लिखें, लीजिए लिखें, मेक इट फास्ट, फटाफट लिखो, फटाफट लिखो इसको। लिख लिया, मेक इट फास्ट, मेक इट फास्ट। चलिए दोस्तों अब मेरी बात समझना, इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जितने वेरिएबल उतने इक्वेशन पता होना चाहिए आपको। ओके सर, सर दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन पता बात बन जाएगी। ओके अब मेरी बात को आगे बढ़ाता हूँ। अब कैसे, हाउ टू सॉल्व, हाउ टू सॉल्व, हाउ टू सॉल्व इक्वेशन, हाउ टू सॉल्व इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इन टू, इन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, हाउ टू सॉल्व, कैसे दोस्तों। अब हम स्टार्ट करने वाले हमारा पहला मेथड, और एक ही मेथड करेंगे, बाय मेथड ऑफ एलिमिनेशन, एलिमिनेशन, एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। चलिए आगे बढ़ जाएं। यस सर, एलिमिनेशन मेथड स्टार्ट करें। अब दोस्तों मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, लिखो पहले मेरे साथ, लिख लो फिर समझाऊंगा। ये मेथड आपको बचपन में पढ़ाया गया है लेकिन आप भूल चुके हैं, मैं रिकॉल करवा रहा हूं बस, ठीक है। लिखो यहां पे, अंडर दिस मेथड, अंडर दिस मेथड वी ट्राई टू एलिमिनेट द वैल्यू ऑफ, we try to eliminate the value of one variable, ठीक है, we try to eliminate the value of one variable by making their, by making their coefficient, by making their coefficient same, and then put the value of such variable to get the value of, to get the value of another variable, to get the value of another variable, to get the value of another variable। लिखो, make it fast, अब समझाने वाला हूँ इसको, फटाक से लिखे फिर मैं समझाऊंगा इसे, फटाक से लिखे, make it fast। Make it fast. Make it fast. सर हो गया, लिख लिया। Under this method, we try to eliminate the value of one variable by making the coefficient same and then put the value of such variable to get the value of another variable. अभी समझाऊंगा, जो लिखवाया है पूरा समझाऊंगा, टेंशन ना लें, जो लिखवाया है अभी पूरा समझाऊंगा, 1% भी लोड लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। खत्म दोस्तों, खत्म, बस 15-20 मिनट मुझे और चाहिए, मुझे इसकी प्रैक्टिस करवानी है, फिर मैं बात खत्म कर दूंगा अपनी। चलिए डन, लिख लिया, अब समझो दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 के माध्यम से मैं आपको कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ, तो आप लोग लिखेंगे मेरे साथ साथ क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 सीक्वेंस में लिखा हुआ है, आइए लिखते हैं। पहला इक्वेशन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 7, यस सर। दूसरा क्या है, 4x माइनस y इज इक्वल टू 3। चलो अब प्लीज कॉन्सेंट्रेट करना, बचपन का मैथ से रिकॉल करवा रहा हूं बस। आपको दो इक्वेशन देके रखा है, आपको दोनों की वैल्यू निकालना है, आपको दो इक्वेशन देके रखा है, दोनों की वैल्यू निकालना है।
एक्स और वाई दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन, तो दोनों की वैल्यू निकल जाएगी, यस पॉसिबल है। अब ये काम हम करते कैसे थे बचपन में, समझो दोस्तों मेरी बात समझना। फॉर एग्जाम्पल एक रफ वर्क ले रहा हूँ, मैं रफ वर्क ले रहा हूँ, मान लो एक इक्वेशन दी है x प्लस टू वाई इज इक्वल टू थ्री और x माइनस वाई इज इक्वल टू टू, ठीक है। हम बचपन में इसको कैसे सॉल्व करते थे, देखो x और x कट जाएगा, सर नहीं कट रहा, अभी ये भी प्लस का साइन है, इसके आगे भी प्लस का साइन है, तो हम क्या करते थे नीचे वाले इक्वेशन के साइन को बदल देते थे, ये प्लस है माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस है तो ये माइनस कर देते थे। अब इसको काटते थे, प्लस x माइनस x कट गया, प्लस टू वाई, अब इसका साइन प्लस वाला है, प्लस y, थ्री वाई इज इक्वल टू थ्री माइनस टू, कितना आ गया वन, तो y कितना आ गया मेरा वन बाय थ्री, और फिर इस वन बाय थ्री की वैल्यू कहीं पर भी पुट करके हम x की वैल्यू को निकाल लेते थे। लेकिन मुद्दे की बात ये है सर, ये जो हम काम करते थे यही था दोस्तों मेथड ऑफ एलिमिनेशन, यही रिकॉल करवा रहा हूँ। सर यदि मान लो वहाँ पे आपने जो एग्जांपल लिया था अभी, वहाँ पे तो सर यहाँ पे तो x का कोएफिशिएंट सेम है, लेकिन जो क्वेश्चन मेरे सामने आ रहा है यहाँ पे x का कोएफिशिएंट सेम नहीं है, तो क्या करेंगे दोस्तों। मेथड ऑफ एलिमिनेशन क्या कहता है, सबसे पहले आप कोएफिशिएंट को सेम बनाओ। सर कैसे, देखो यहाँ पे एक उपाय तो ये है, इसका कोएफिशिएंट और इसका कोएफिशिएंट अलग है, x x कट रहा है क्या, नहीं, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट अलग है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट अलग है, वो 4y है और ये y कट रहा है क्या, खत्म होगा क्या, नहीं, मुझे तो एलिमिनेट करना है। तो कैसे करेंगे सर दोस्तों, हम यहाँ पे ऐसा करेंगे, ऊपर वाले इक्वेशन को पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, x का जो कोएफिशिएंट है ना, उस कोएफिशिएंट के से पूरे ऊपर वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो और नीचे वाले इक्वेशन को ऊपर के x के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या ऐसा करने से आप ये पाओगे कि x के कोएफिशिएंट बराबर हो जाएंगे। सर चलिए करा, ऊपर वाले को 4 से मल्टीप्लाई किया, आपको x का कोएफिशिएंट सेम बनाना है ना, तो जो नीचे वाले इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट है उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और जो ऊपर वाले x का जो कोएफिशिएंट उसको नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा करने से आप ये पाओगे x का कोएफिशिएंट सेम हो गया। सर यदि हमें y का कोएफिशिएंट सेम बनाना है तो जो नीचे वाले इक्वेशन का y का कोएफिशिएंट है उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और जो ऊपर वाले y का कोएफिशिएंट है उसको नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ये बात आपको अच्छे से पता है, बचपन में पढ़ के आए थे, एक बस दिमाग में धूल जम रखी हूँ, धूल को हटा रहा हूँ बस मैं, बस। चलिए ऊपर 4 से मल्टीप्लाई किया, कितना 4 3 जा 12x प्लस 4 को पूरे से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 4 4 जा 16y इज इक्वल टू 7 इंटू 4 7 4 जा 28 हो गया ये, यस सर। सर ऊपर वाली इक्वेशन कन्वर्ट हो गई, नीचे किससे मल्टी, सर x का कोएफिशिएंट सेम करना है तो नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, चलो 4 3 जा 12x सर हो गया सेम, नीचे माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया y इंटू 3 3y और 3 3 जा 9 हो गया x का कोएफिशिएंट सेम, लेकिन सर अभी कट नहीं रहा, एक प्लस है तो एक माइनस है, तो नीचे वाले इक्वेशन में सबको साइन को चेंज कर दो, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, हो गया, यस सर। सर प्लस 12x माइनस 12x कट गया, दूसरा 16y प्लस 3y, देखो अब नीचे वाला साइन चेंज हो चुका है, 16 प्लस 3 कितना हो गया मेरा सर 19y इज इक्वल टू 28 माइनस 9 28 माइनस 9 माइनस साइन है, प्लस नहीं रहा, माइनस हो गया साइन, अब कितना हो गया 19, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 19 डिवाइडेड बाय 19 दैट इज इक्वल टू 1, y की वैल्यू आ गई। अब इस y की वैल्यू को कहीं भी, चाहे यहां पुट कर लो चाहे यहां पुट कर लो, बात एक ही, कहीं भी पुट कर लो, किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके उसकी वैल्यू निकाल लो। चलो यहां ऊपर वाले में पुट किया, 12x प्लस 16 इंटू y की वैल्यू कितनी 1 इज इक्वल टू 28, ऊपर वाले में पुट किया, फर्स्ट वाले में पुट किया मैंने, ठीक है पुट किया, चलो नहीं इसे दोबारा पूरा अच्छे से बताते हैं, क्या है ऊपर वाला इक्वेशन, क्या है सर ऊपर वाला इक्वेशन है 12x प्लस 16y इज इक्वल टू 28, y की वैल्यू पता है पुट करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। सर कैसे, ये देखो 12x प्लस 16 इंटू 1 16 इज इक्वल टू 28, तो 12x इज इक्वल टू 28 माइनस 16, तो सर 12x कितना हो गया मेरा 28 माइनस 16 28 माइनस 16 ये भी मेरा हो गया 12, तो आपका x कितना आ गया, x आ गया 12 से 12 कट गया, आपका x आ गया 1, तो आपकी x और y की वैल्यू फाइनल वैल्यू आ गई 1, 1, पहला वाला x को रिफ्लेक्ट करता है, दूसरा वाला वैल्यू y को रिफ्लेक्ट करता है, दिस इज योर आंसर, ऑप्शन ऑप्शन बी। चलो दोस्तों ये आपका सब्जेक्टिव मेथड है, मैंने पूरा लिखवाया, अब इसका ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, लेकिन ये वाला मेथड बहुत ज्यादा यूज होगा, आपको इसको समझना ही पड़ेगा।
मेक इट फास्ट, फटाक से लिखे दोस्तों, और टाइम नहीं देने वाला, जल्दी 10 सेकंड है, फटाफट लिखो। हो गया, मेक इट फास्ट। चलिए डन और नॉट सर, डन। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग करेंगे, फिर हम लोग बाकी ऑब्जेक्टिव चालू कर देंगे फिर, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसे मेथड से और कर लें। इस क्वेश्चन का दोस्तों, इस मेथड का यूज स्टैटिस्टिक्स में रेग्रेशन में आएगा, इसलिए मैं तो इस मेथड को आप समझो। ऑब्जेक्टिव तो सिखाऊंगा मैं अभी आपको एग्जाम में कैसे करना है, लेकिन अभी इसको मेथड को समझो। बस एक क्वेश्चन और करेंगे मेथड से, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव सीखेंगे, ठीक है। ओके सर, चलिए लिख लिया, 10 सेकंड दे रहा हूँ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आइए लेट्स गो, क्वेश्चन नंबर टेन। सभी बच्चे अपने आप ट्राई करें, सभी अपने आप ट्राई करें। सॉल्व द इक्वेशन फॉर एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है, ठीक है सर। क्या है, एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू जीरो, और क्या है, एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू 20, ठीक है। कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ा गया मामला, माइनस 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 20 हो जाएगा, और यहाँ माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का माइनस 5 नहीं, ठीक है करो, सही दिया, करो सॉल्व करो, ट्राई करो अपने आप। देखो यहाँ पे तो ऑलरेडी एक्स का कोएफिशिएंट सेम है, कुछ करना ही नहीं है मालिक, कुछ करना ही नहीं है, करो सर। यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट तो सेम है और वैसे ही कट रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सीधे सॉल्व कर लो। प्लस साइन ऐसा, साइन अलग अलग चाहिए, प्लस और माइनस कटेंगे, प्लस प्लस तो प्लस हो जाते हैं, तो नीचे वाले का साइन चेंज कर दो, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस एक्स माइनस एक्स कट गया, माइनस टू वाई माइनस फाइव वाई, माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन साइन रहेगा माइनस का, 5y इज इक्वल टू 0 माइनस 20 कितना हो जाएगा, माइनस 20, तो माइनस से माइनस कट गया, y की वैल्यू कितनी आ गई, 20 डिवाइड बाय 5, 5 4 जा, तो y की वैल्यू आपकी आ गई 4 आ गई। अब यहां पर कहीं भी पुट करके, पहले वाले इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू निकाल लो, आओ निकालते हैं दोस्तों। ये देखो यहां पे कितना, x माइनस 3 इंटू y की जगह 4 इज इक्वल टू 0, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो आपकी x की वैल्यू आ गई 12, तो आपका आंसर हो गया 12, 4, दिस इज योर आंसर। मेक इट फास्ट, समझ में आया, देखो कुछ भी नया नहीं है, बचपन का मैथ्स पूरा। देखो मैं बता दूं, 3 दिन बचपन का मैथ्स चलने वाला है, लेकिन जिसके भी बेसिक कमजोर हैं, क्लास को बहुत अच्छे से अटेंड करो और घर में जाके बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। वी आर डन विथ क्वेश्चन नंबर 10, डन विथ क्वेश्चन नंबर 9 एज वेल, टिक करने दो मुझे, ताकि मैंने याद रहे मुझे मैंने क्लास में करवाया है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, चलिए अब मैं आपको ऑब्जेक्टिव सिखाऊंगा। बस मुझे 15 तक के क्वेश्चन करवाने हैं, 5 क्वेश्चन और करवाने दो मुझे आज, ताकि नेक्स्ट क्लास में मैं वेरिएबल इन 3 क्वेश्चन, इन 3 वेरिएबल और वर्ड प्रॉब्लम में जंप कर सकूं। चलिए लिख लिया क्वेश्चन नंबर 10, डन और नॉट, आर यू ऑल डन विथ क्वेश्चन नंबर 10 और नॉट, फटाफट लिखें, कुछ नया नहीं है, घटिया सवाल था। चलिए दोस्तों अब मैं आपको सिखाऊंगा इसका ऑब्जेक्टिव, पर मेथड आना जरूरी था, इसलिए मेथड से मैंने क्वेश्चन करवाया आपको। एलिमिनेशन, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल लिया, उसको पुट करते हैं, पहले वेरिएबल की वैल्यू निकाल लिया, नाम ही काम छुपा बैठा इसका। चलिए लिख लिया, डन सर, डन। चलिए इसमें लिखने का टाइम नहीं देने जाता चाहता मैं डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, अब मेरी बात समझना, क्वेश्चन नंबर 11, ओहो क्वेश्चन नंबर 11, चलिए इक्वेशन क्या है, 1.5x प्लस 3.6y इज इक्वल टू 2.1, ठीक है। और क्या है, दूसरा इक्वेशन है आपका, पहला इक्वेशन ये रहा, दूसरा इक्वेशन कॉमा लगा हुआ है, फिर कॉमा लगा हुआ, कॉमा 2.5 ब्रैकेट में x प्लस 1 इज इक्वल टू 6y, ठीक है दूसरा इक्वेशन। हम चाहे तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व, सिंप्लीफाई करके साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन अब दोस्तों वक्त का तगाजा बदल गया है, अब मुझे ऑब्जेक्टिव सिखाना है। अच्छा पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन देके रखा है 0.2, 0.5, ठीक है,
ऑप्शन बी क्या दे के रखा है, 0.5, 0.2, ऑप्शन सी दे के रखा है 2.5, और ऑप्शन डी भी दे के रखा है, जो भी है मुझे पता है यहाँ पे, मैं ऑप्शन डी राइट, ऑप्शन ए राइट है, इसलिए मैं ऑप्शन ए टैली करता हूँ। देखो वो वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा सर, देखिए पहला वाला जो होता है वो एक्स होता है, दूसरा वाला जो होता है वाई होता है, इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है सर। हम ऑप्शन से क्वेश्चन में पुट करेंगे, और जिस भी ऑप्शन ने आपको एल एच एस इक्वल टू आर एच एस दे दिया, वो वाला ऑप्शन हो जाएगा राइट। यस सर, सीधी बात है ना, हम एक्स की जगह पहला वाले ऑप्शन को मैंने यहाँ पे पुट किया, चलो पुट करते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं 1.5, एक्स की जगह क्या पुट करूंगा मैं 0.2, प्लस 3.6 इंटू वाई की जगह क्या पुट करूंगा मैं 0.5 इज इक्वल टू 2.1, उम्मीद करता हूँ मुझे 2.1 दे दे। आ जाओ 1.5 इंटू 0.2 कितना आ गया मेरा, ये हो गया 0.3, प्लस 3.6 इंटू 0.5 ये कितना आ गया मेरा 1.8 इज इक्वल टू 2.1, 1.8 प्लस 0.3 किया तो ये मेरा आ गया 2.1 इज इक्वल टू 2.1। सर ये वाला ऑप्शन यहाँ पे तो सेटिस्फाई हो गया, यहाँ पे तो सेटिस्फाई हो गया, लेकिन दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई होना चाहिए, दोनों इक्वेशन में, एक में सेटिस्फाई हुआ एक में नहीं हुआ तो काम नहीं चलेगा। अब इसी ऑप्शन को यहाँ भी चेक कर लो पहले, अब यहाँ भी चेक कर लो, यहाँ भी चेक कर लो, चलो चेक करते हैं 2.5 इंटू एक्स की जगह कितना पुट करना मुझे 0.2, मुझे पुट करना 0.2 प्लस 1 इज इक्वल टू 6 इंटू वाई की जगह पुट करना मुझे 0.5, 2.5 इंटू 1 प्लस 0.2 कितना इंटू 1.2 इज इक्वल टू 6 इंटू 0.5, 6 इंटू 0.5 कितना हो गया मेरा ये 3 हो गया। आ जाओ कितना हो जाएगा 2.5 इंटू 1.2 कितना हो गया मेरा 3, 3 इज इक्वल टू 3 आ रहा है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा राइट। क्योंकि ये ऐसा ऑप्शन है जो दोनों इक्वेशन में एक्स और वाई की जगह वैल्यू पुट करने पे एल एच एस इक्वल टू आर एच एस दे रहा है। अब दोस्तों मैं रिकमेंड करूंगा आपको सारे क्वेश्चंस जो नीचे दिए, मैं तीन क्वेश्चन में पांच, एक दो तीन पांच क्वेश्चन बचे हैं, मैं दो क्वेश्चन और करवाऊंगा और तीन क्वेश्चन आपको होमवर्क दूंगा इसके, जो नॉन डिस्कसेबल है, जिसके मैं आपके आंसर्स का वेट करूंगा, याद रहे वेट करूंगा। और आपको लग रहा होगा मैं जब भी किसी लेक्चर में बोलता हूँ ना तो मुझे याद रहता है कि बच्चों के आंसर तो नहीं आ रहे, मुझे बहुत दुख होता है, चलिए क्योंकि आपकी प्रैक्टिस भी जरूरी है, मैंने पूरी प्रैक्टिस करवा दी, ऑब्जेक्टिव की मैंने बखूबी प्रैक्टिस करवा दी है। अब इसको नोट डाउन करें, फिर दो क्वेश्चन और करेंगे, मैं चुन के दो क्वेश्चन और करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे अभी हम, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे, चलो क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 13, तीन क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 आपका होमवर्क है और क्वेश्चन नंबर 15 भी आपका होमवर्क है, ठीक है, तीन क्वेश्चन अभी हम और करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 11 भी होमवर्क लेके जाओ, 11, अच्छा 11 तो हमने कर लिया, 11 तो हमने कर लिया, दो क्वेश्चन और करेंगे 12 और 13, चार क्वेश्चन बचे हैं अभी, 12 और 13 और करेंगे, और 13 और 14 और 15 आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, 14 और 15 आपके लिए होमवर्क। इसको फटाफट लोड डाउन करें, आगे बढ़ जाएं, लिख लिया, चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे और फिर आज की क्लास हो जाएगी दोस्तों खत्म, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 ये लिख लिया, अरे बस सेटिस्फाई तो करवाया है ऑप्शन पुट करके, ऑप्शन को पुट कर सिर्फ सेटिस्फाई तो करवाया है। चलिए नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 12, आसान है भैया आसान है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन नंबर 12 आइए। क्वेश्चन है x अपॉन p प्लस y अपॉन q इज इक्वल टू 2, और दूसरा क्या है, दूसरा एक क्वेश्चन है x प्लस y इज इक्वल टू p प्लस q, ठीक है, आर सेटिस्फाइड बाय द वैल्यू गिवन बाय द पेयर। अच्छा x और y की वैल्यू निकालना, ऑप्शन ए है x की जगह p और y की जगह q पुट कर दो, चलो ऑप्शन ए ही राइट है इसलिए बाकी सारे ऑप्शन लिख के टाइम वेस्ट नहीं करता। दोस्तों वो वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा जिसने एल एच एस इक्वल टू आर एच एस दे दिया, सही बात है सर। तो दोस्तों मैंने ऑप्शन इसमें पहले वाले इक्वेशन में पुट किया, एक्स की जगह पी पुट किया, पी अपॉन पी आ गया, वाई की जगह मैंने क्यू पुट किया, मेरा क्यू अपॉन क्यू आ गया,
उम्मीद करता हूँ एल एच एस इक्वल टू आर एच एस मिले। वन से पी से पी कटेगा तो वन बचेगा, जीरो नहीं होता, पी माइनस पी जीरो होता है, पी अपॉन पी क्या हो जाएगा वन, क्यू अपॉन क्यू कितना हो गया वन, वन प्लस वन कितना हो गया वन प्लस वन इज इक्वल टू टू, दैट इज टू इज इक्वल टू टू। ये वाले इक्वेशन ने यहाँ पे तो बाजी मार ली, अब देखना है क्या दूसरे वाले इक्वेशन में भी एल एच एस इक्वल टू आर एच एस देता है कि नहीं। आओ अब मैं यहाँ पे सेटिस्फाई कराता हूँ इसको, x की जगह p, y की जगह q इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, सर पुट करते ही आ गया एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, तो यहाँ पे भी इसने बाजी मार ली, आसान था। सर अब क्या करें, अब क्या करें, कुछ नहीं करना है, वो ऐसे ही करना है एग्जाम में। चलिए नोट डाउन करो फटाक से, नोट डाउन करो, ज़्यादा समय नहीं दूंगा, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे क्वेश्चन नंबर 13, बाकी सारे क्वेश्चन होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 13 आपको एक दिखने में डिफिकल्ट लग रहा है पर है नहीं, ठीक है। चलो अभी करवाता हूँ, अब भी करवाता हूँ, डरो मत यार, डरो मत, डरना बंद करो, तुम डरना बंद करो पहले, तो क्वेश्चन को बड़ा क्वेश्चन देख के डरना बंद करो, बस इस चैप्टर में तुम्हारे दिमाग में थॉट प्रोसेस ही मुझे ये बिल्ड करना है, चैप्टर बहुत बोरिंग है वरना, ठीक है। इसके पहले तक जब भी मैं क्लास करवाता था तो मैं 5 क्वेश्चन करवाने के बाद आई गिव एवरी क्वेश्चन इन द होमवर्क, लेकिन बच्चे ने वो डाउट्स पूछना स्टार्ट किया जिसने मेरे अंदर एक डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट किया, इसलिए मैं इस क्वेश्चन में, इस क्लास में पूरे क्वेश्चन करवाना चाहता हूँ, मजबूरी है, दो क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ कि सिमिलर एक जैसे हैं, कम से कुछ तो ट्राई करो। चलो आगे बढ़ जाएं, यस सर, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया हमारा, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 13, वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 12, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 13। आइए दोस्तों लिख लो, लिखा नहीं किसी ने तो लिख लो पहले एक बार, ये आपका पहला इक्वेशन था जहाँ पुट किया, ये आपका दूसरा इक्वेशन था, यहाँ मैं ऑप्शन ए को पुट किया, फिर मैंने यहाँ पे दूसरे इक्वेशन में ऑप्शन ए को पुट किया, ऑप्शन ए हो गया। चलिए आगे बढ़ जाऊं, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 13। आइए, द सॉल्यूशन फॉर द पेयर ऑफ द इक्वेशन 1/16x प्लस 1/15y इज इक्वल टू 9/20, पहला इक्वेशन, ठीक है सर, आ जाओ मैं ऐसे लिखूंगा इस बार, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या है, 1/20x, कॉमा लगा हुआ है, कॉमा ध्यान से देखो, 1/20x माइनस 1/27y, 1/27y इज इक्वल टू 4/45। आइए स्टार्ट करें, सर ऑप्शन कौन सा चेक करोगे, मैं दोस्तों ऑप्शन काफ़ी सारे दे के रखे हैं, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ऑप्शन ए दे के रखा हुआ है कितना, x की जगह 1/4 और y की जगह 1/3। आइए मैं सीधे इसी ऑप्शन को पुट करना चाहता हूँ, मैं सीधे इसी ऑप्शन को पुट करना चाहता हूँ, x की जगह 1/4 और y की जगह 1/3, पुट करें। देखो दोस्तों यहाँ पे पहले पुट किया 1/16 इंटू 1/4, x की जगह 1/4 और y की जगह 1/3 प्लस 1/15 इंटू y की जगह 1/3, देखते हैं भगवान करे 9/20 मिल जाए, स्टार्ट करें अब देखते हैं, सर 4/4 = 16, 5/3 = 3, 5/15, तो मेरा यहाँ पे कितना हो गया 1/4 प्लस 1/5 इज इक्वल टू 9/20। एलसीएम लेना बचपन में सिखाया था पहली क्लास में, सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/4 = 20, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 5 × 1 = 5, 4 × 1 = 4 इज इक्वल टू 9/20, सर यहाँ पे भी 9/20, यहाँ पे भी 9/20, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस मिल रहा है, यस, तो ये वाला ऑप्शन तो एक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया। अब दूसरे को और सेटिस्फाई करते हैं, x की जगह कितना 1/4, y की जगह 1/3, पुट कर लो 1/20 इंटू x की जगह 1/4 माइनस 1/ डरने का नहीं 27, y की जगह कितना 1/3, उम्मीद करता हूँ ये 4/45 दे दे, 4/5 = 9 × 27, तो कितना हो गया मेरा, ये हो गया मेरा 1/5 माइनस ये हो गया मेरा 1/9, 4/45, एलसीएम कितना जाएगा, पूरा मल्टीप्लाई कर दो, 9/5 = 45 और क्रॉस मल्टीप्लाई 9 - 5, सॉरी 9 - 5 कितना हो गया 4/45 = 4/45। दोस्तों एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ गया, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ऑप्शन ए इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन ए इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। देखो मैंने यहाँ पूरा काम अपना मैनुअली हाथ से किया, आप इसमें आधे से ज़्यादा काम कैलकुलेटर में कर सकते हैं, मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ, आप कैलकुलेटर में कर सकते हैं, तो लोड लेने की आवश्यकता नहीं। देखो इस क्वेश्चन को देख के डरते हो,
और इतने बड़े बड़े इक्वेशन, अरे सॉल्व करना ही नहीं है, ऑप्शन से क्वेश्चन जाना है, बात खत्म। चलिए दोस्तों, आज मैंने क्या किया, पूरा इक्वेशन का आपको बैकग्राउंड तैयार कराया, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल करवाया और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के क्वेश्चन करवा दिए। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 आपके लिए होमवर्क दिया है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल के दो सवाल डाले हैं, फटाफट करवा दूंगा, आप वो होमवर्क लेके जा सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, बन जाएगा। वर्ड प्रॉब्लम भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं, उसमें कुछ भी नहीं, बात नहीं, मैं पूरे कोई थ्योरी नहीं, कोई कंसेप्ट नहीं, सीधे क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं आपको, हम वर्ड प्रॉब्लम के सारे क्वेश्चंस करेंगे, जितने क्वेश्चंस डाले हैं मैं सारे क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। नेक्स्ट क्लास हमारा वर्ड प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा और क्वालिटी क्वेश्चन के सब्जेक्टिव प्रॉब्लम और बेसिक लेवल टू के प्रॉब्लम हमारे खत्म हो जाएंगे, और फिर तीसरी क्लास हमें लगेगी, उसमें भी मैंने वर्ड प्रॉब्लम काफ़ी डाले हैं, क्वेश्चंस मैंने काफ़ी ज़्यादा कवर अप किया है, क्योंकि मेरा मानना है कि क्लास में इतना कवरेज होना चाहिए कि बच्चे को घर जाकर के कोई नई चीज़ ना पढ़ने मिले तो भी चलेगा, ठीक है ना। देखो मैं बताऊँ, चैप्टर तो बहुत छोटा है, आप लोगों के मन में लग रहा होगा सर इक्वेशन जैसे छोटे चैप्टर को इतना टाइम क्यों दे रहे हैं, दो चैप्टर छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन क्वेश्चन में प्रैक्टिस हमारी बहुत ज़्यादा करनी है हमें, इसलिए मैं तो पूरा टाइम लूँगा, तीन लेक्चर लगेंगे, आज एक लेक्चर और हो गया, दो लेक्चर मुझे और लगेंगे, उसके बाद ही चैप्टर मेरा वाइंड अप होगा। आज जितना पढ़ाया है दोस्तों, ये पूरा आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करके आएँ, जिसने नहीं लिखा लिख लिया, जितना मैंने पढ़ाया पूरा अच्छे से प्रैक्टिस करके आएँ, पूरा अच्छे से रिवाइज करें, आज के जितने भी क्वेश्चंस का दोबारा घर जाके एक बार करोगे तभी अगले क्लास में आओगे, आपको कसम है भैया, कसम है, आपको जितना मैंने पढ़ाया पूरा करके आओगे। ओके सर, हम लोग इतनी पूरी प्रैक्टिस करके आएंगे। यहाँ पे दोस्तों मेरा चैप्टर का मेन जो कंसेप्ट था, माइंड मैप था, जो लिखवाने वाला पार्ट था, खत्म हो चुका है ये पूरा। अगली क्लास में, अगली दो क्लास में हम लोग सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने वाले हैं, सिर्फ क्वेश्चन करने वाले हैं, इसके अलावा कुछ भी नई बात नहीं करने वाले। चलिए, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा, यहाँ वाइंड अप करें क्लास को, लिख लिया है। चलिए मैं यहाँ पे क्लास को पैकअप करता हूँ, फिर मिलेंगे अगले क्लास में, क्लास को आगे बढ़ाएंगे। बाय बाय दोस्तों।